छह कारण बताए, भगवान की बाल लीला का संक्षेप में वर्णन किया, अंतरद्वीप के विभिन्न स्थलों की लीलाएं सुनाई, जिनमें से कुछ लीलाएं गंभीर थी पर बहुत सी लीलाएं रोचक और हास्यपूर्ण भी थी। समय के अभाव के चलते प्रभु जी को बहुत सी कहानियां अति संक्षेप में सुनानी पड़ी और उनकी इस व्यथा को हम समझ सकते हैं। यही कहानियां हमने कई कई बार घंटों घंटों तक परम पूज्य राधानाथ महाराज के मुखारविंद से सुनी है, किंतु आगे की ढेर सारी कथाएं कहने के लिए प्रभु जी उत्कंठित भी हैं और मैं प्रभु जी को निवेदन करता हूँ कि वे आज के दूसरे सत्र की शुरुआत करें। हरे कृष्णा। और मुझे को होस्ट बना दीजिए तो मैं बाकी चीजें हैंडल कर लूंगा, प्लीज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त बृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, राम हरे हरे। तो श्यामोहन प्रभु जी, रिकॉर्डिंग चालू है? यस प्रभु जी, चालू है। यस प्रभु। ओके, तो अभी हम सीमांत द्वीप जाने के पहले चंद्रशेखर भवन चैतन्य मठ की एक बात जो हम भूल गए थे उसको कहेंगे। वो यह है कि चंद्रशेखर आचार्य, इनका आचार्य रत्न के रूप से भी पहचान होती है, उनको आचार्य रत्न के रूप में भी जानते हैं। और इनके घर में श्री चैतन्य महाप्रभु की अनेक नाटिकाएं हुई थी। एक नाटिका में चैतन्य महाप्रभु रुक्मिणी बने थे और इतना सुंदर रुक्मिणी का श्रृंगार किया गया था कि रुक्मिणी की जो रोल था वो देखकर सची माता सामने बैठी हुई थी, लेकिन इतनी रोई कि आखिर तक पहचान नहीं पाए कि वो तो मेरा ही बालक था जो रुक्मिणी बना हुआ था। तो इस तरह से बहुत सुंदर नाटिकाएं चंद्रशेखर भवन में हुआ करती थी और बुद्धिमंत खान उसको स्पॉन्सर किया करती थी। तभी हम चलेंगे सीमांत द्वीप। सीमांत द्वीप जो है वो अंतर द्वीप से केवल 4 से 5 किलोमीटर दूर है और उसको राजापुर भी कहते हैं, क्योंकि हमारे विशेष जगन्नाथ जी महाराज वहां पर रहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो फोटोग्राफ दिख रहा है आपको, इसमें पार्वती देवी ध्यान में बैठी हुई है और गौरांग महाप्रभु उसको दर्शन दे रहे हैं। इसके पीछे चैतन्य मंगल में एक अलग कहानी आती है और अलग जगह पर दूसरी कहानी आती है। एक कहानी ऐसी है कि एक बार पार्वती जी अपने पति महादेव जी को मिलने गई तो देख रहे थे कि वो गौरांग, इनको नाम पता नहीं था गौरांग कौन है, लेकिन गौरांग का नाम लेकर बहुत ही आनंद विभोर होकर कीर्तन कर रहे थे, नाच रहे थे, बहुत सुंदर नृत्य कर रहे थे। तो फिर पार्वती जी ने शिव जी को पूछा, ये गौरांग कौन है जिनका नाम सुनकर ही मेरे मन में इतना रोमांच उठ रहा है और मेरे मन में इतना कुतूहल हो रहा है। तो महादेव जी बताते हैं अपनी पत्नी को कि स्वयं कृष्ण गौरांग महाप्रभु राधा रानी का भाव लेकर कलयुग में आने वाले हैं और पूरे विश्व को आनंद के सागर में डुबोने वाले हैं। और हे देवी, केवल उनको याद करने से वो आएंगे, दर्शन देंगे और मैं मेरे जीवन
मेरा पूरा जीवन उनके प्रेम में व्यतीत करना चाहता हूँ। मैंने काशी का भी निवास छोड़ दिया है और मैं अभी गंगा जी किनारे नवद्वीप धाम में एक झोपड़ी में रहता हूँ और वहाँ पर गौरांग महाप्रभु के नामों का जप करता हूँ, ऐसे शिवजी अपने पत्नी को बताते हैं। तो ये सुनकर पार्वती जी इतनी प्रेरित हो गई कि पार्वती जी ने वो सीधे नवद्वीप में गई और उधर जाकर उन्होंने अपना तपस्या करना शुरू किया। गौरांग के ऊपर ध्यान करते हुए उन्होंने तपस्या शुरू की और गौरांग का ही नाम का जप भी करने लगी। उस समय उनका हृदय बहुत ही प्रेम के सागर में डूब गया और इस प्रकार से उनकी तपस्या देखकर गौरांग महाप्रभु वहां प्रकट हुए और उनका सुंदर तेजस्वी सुनहरा रंग रूप देखकर पार्वती जी बड़ी बड़ी आनंदित हो गई और पार्वती जी को भगवान पूछते हैं कि आप यहाँ कैसे आ गई। पार्वती चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर गई और उन्होंने कहा कि मेरे जितने भी पतित जीव यहाँ पर भौतिक दुनिया में बद्ध मेरे बद्धता में रहते हैं, मैं उनको बद्ध रखती हूँ, उनके प्रति मेरे मन में बड़ी करुणा आ रही है और मैं सबको बांध के रखती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपकी कृपा उन पर हो जाए और आपका धाम का और आपके लीलाओं का आनंद उनको प्राप्त हो। अगर आप कृपा नहीं कर सकते हैं तो मेरे लिए कोई आशा नहीं है। तो महाप्रभु चैतन्य ने पार्वती जी की करुणा को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया कि मैं आऊँगा और इस रूप में आकर मैं हरिनाम संकीर्तन करूँगा और पतित से पतित जीवों का मैं केवल उद्धार ही नहीं करूँगा, उनको प्रेम में मैं नहला दूंगा पूरी तरह से, कृष्ण प्रेम भगवत प्रेम में उनको पूरा मैं सिंचित कर दूंगा। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु के चरणों की रज जो है वो पार्वती जी ने उठाकर अपनी मांग में भर दी और मांग को एक और नाम है सीमांत, इसलिए इस द्वीप को सीमांत द्वीप इस नाम से जाना गया। और एक कहानी ऐसी है कि एक बार नारद मुनि जी विष्णु के पास में महाप्रसाद लेने गए थे और महाप्रसाद लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान ने कहा है कि महाप्रसाद देना नहीं किसी को। तो बेचारे नारद मुनि खड़े रहे, कहते हैं 11 वर्ष तक खड़े रहे, आखिर में लक्ष्मी जी को दया आ गई और एक दिन लक्ष्मी जी भगवान के चरण सेवा कर रही है तो उदास दिख रही थी। तो विष्णु भगवान ने पूछा क्यों उदास हो, तो पार्वती ने कहा कि आपका भक्त नारद मुनि कब से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं आपका महाप्रसाद देने के लिए और आपने तो कड़ी आज्ञा देकर रखी है किसी को महाप्रसाद देना नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी दुखी हूँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करना, मेरी आज्ञा भी रखी जाए और नारद मुनि की इच्छा भी पूरी हो जाए, वो जब मैं महाप्रसाद लेते हुए यहाँ देखूंगा ना तो समय वो महाप्रसाद उठा लेना आप और नारद मुनि को दे देना। इस प्रकार से पार्वती जी ने नारद मुनि को महाप्रसाद दिया, नारद मुनि उसको पाकर इतना आनंद में विभोर हो गए, हाँ इतना विभोर हो गए कि नाचते लोट पोट होते गोल गोल गोलांटी खाते खाते कैलाश पहुंच गए। तो नारद मुनि को देखकर शिव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो शिव जी ने कहा कि क्या हुआ नारद मुनि जी, तो वो होश में आए, बोला मैंने विष्णु जी का महाप्रसाद पाया। तो नारद मुनि कहते अरे मैं तो आपका भाई हूँ और छोटा भाई हूँ आपका और आप मुझे भूल गए, मेरे लिए रखा नहीं महाप्रसाद। कहते हैं कि देखता हूँ हाथ में बचा हुआ, तो हाथ में कुछ कण बचे थे भाव विभोर था में, तो वो कर्ण उन्होंने शिवजी को दे दिया। शिवजी ने पाते ही शिवजी ऐसा प्रेम से नृत्य करने लगे तो वो ऐसा लगने लगा कि तांडव कर रहे हैं और पृथ्वी हिलने लगी। तो पार्वती जी भाग भाग के आई, बोला पति देव क्या हो गया आपको, तो वो इतने भाव में थे तो उन्होंने कहा कि नारद मुनि आए थे, उन्होंने महाप्रसाद दिया तो हमारी ये अवस्था हो गई। तो पार्वती जी कहते कि आपने महाप्रसाद खाया और मुझे याद नहीं रखा आपने, मैं आपकी पत्नी हूँ अर्धांगिनी हूँ, मैं अभी आप तो अकेले खाते हो लेकिन मैं जब कुछ विचार करती हूँ तो मेरे मन में सभी बद्ध जीवों का विचार आता है, तब मैं जाकर तपस्या करूंगी। तो वो नवद्वीप में गई, तपस्या की और महाप्रभु ने दर्शन किया, तो महाप्रभु जी ने कहा कि मैं आपको मेरा प्रसाद जो है हरे कृष्ण महामंत्र दूंगा। तो पार्वती जी कहती हाँ ये महामंत्र प्रकार प्रसाद जो है मैं सभी जीवों को बांटूंगी और उनका कल्याण होगा। दोनों कथाएं सही है। तो ये जगह है जहां पर पार्वती जी गौरांग महाप्रभु का दर्शन और उनकी कृपा प्राप्त कर रही है और यहीं पर पार्वती ने निवास किया है सीमांत द्वीप में। सीमांत द्वीप जो है यही वो वन है, इसमें बहुत सारे आम के पेड़ हैं।
और ये वास्तविक जगह है जहां पर पार्वती जी को गौरांग महाप्रभु ने दर्शन दिया था। बहुत सुंदर सघन वृक्षावली है, आम के पेड़ है सब जगह। इसके आगे जाएंगे तो हमारे जगन्नाथ जी का मंदिर है, बहुत इनकी लंबी कहानी है। लेकिन ये देखिए हमारे इस्कॉन का मंदिर है ये। इसकी कहानी संक्षेप में ऐसी है कि एक बार एक काला पहाड़ नाम का भयंकर राक्षसी राजा था और वो सभी जगह पर हिंदुओं के मंदिरों पर हमला कर रहा था। तो जगन्नाथ जी के मंदिर से जगन्नाथ भगवान को लेकर उनके भक्त जो है वो इधर आए और यहाँ पर उनको बसाया और सेवा किया। कालांतर में यहाँ से वो लुप्त हो गए। उसके बाद में नदी में बहते हुए, गंगा नदी में बहते हुए एक लकड़ी आई और उसमें से एक अंधे भक्त ने, जिसको कुष्ठ रोग हुआ था, उसने यहाँ से जगन्नाथ की मूर्ति बनवाई और यहाँ पर स्थापन की। यहाँ के जगन्नाथ जी भगवान जो हैं, इसको राजापुर भी कहते हैं, बड़े विचित्र और बड़े लीला दिलाधारी हैं। और उनको, वे भी लुप्त हो गए थे, जंगल में थे, तो किसी को उन्होंने बुलाया रास्ता में, तो फिर वो जाकर उनको ढूंढ के निकाला तो अंदर 3 मूर्तियां मिली। फिर दोबारा मंदिर में स्थापन किया गया। उसके बाद में बहुत साल बीत गए और 1969 में ये ऐसा तय हुआ कि ये इस्कॉन के द्वारा ले लिया जाएगा। लेकिन हुआ ये कि अभी तक कागज पत्र पूरे नहीं हुए थे, तो जयप्रताप महाराज ने कहा था कि देखो पूरी सेवा आरंभ मत करना, जब तक जमीन अपने नाम पे ना हो जाए, पूरा मंदिर अपने नाम पे ना हो जाए, पूरी सेवा आरंभ मत करना। लेकिन हुआ ये कि जगन्नाथ जी प्रसाद के भूखे हैं, भोजन के भूखे हैं, तो वो एक दिन उनको पर्दा बंद किया, खोला तो जगन्नाथ जी दिखे ही नहीं किधर। तो बहुत ढूंढा उनको, बहुत ढूंढा तो वो जंगल में मिले। वहां से जो इस्कॉन के मंदिर का रास्ता है उस रास्ते में मिले और स्वप्न में आके बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ प्रसाद ही नहीं मिलता है, 2 रोटी भी नहीं मिलती है, वो इस्कॉन के मंदिर में बहुत बढ़िया प्रसाद मिलता है, तो हम लोग वहां जा रहे हैं प्रसाद लेने के लिए, भोजन लेने के लिए। तो तभी ये बात जो है वो पुजारी ने जयप्रताप महाराज को बताई, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो सब एग्रीमेंट बाद में करेंगे, पहले जगन्नाथ जी को 56 भोग लगाना आरंभ करो। तो उस दिन से फिर उसके बाद में एग्रीमेंट वगैरह हुई, लेकिन उसी दिन से जब जगन्नाथ जी ने स्वप्न दिया तो उसमें ही 56 भोग लगाना आरंभ कर दिया। और फिर भक्तों की इच्छा थी कि 56 भोग रोज किया जाए, तो उन्होंने जगन्नाथ जी के सामने संकल्प किया कि जगन्नाथ जी महाराज आप ही तो सब कुछ करने वाले हो, आप ही हमारे लिए आशीर्वाद दो कि हम रोज आपको 56 भोग लगाएं। उसी दिन से एक भजनी, क्या कहते हैं उसको, धनी व्यक्ति आया, उसने कहा मेरी तरफ से 1 महीना के लिए मैं 56 भोग लगा दूंगा। तो 1 महीने की तो व्यवस्था कर ली, 1 महीने के अंत में लाइन लग गई। उसके बाद में हर एक भक्त ने एक एक दिन ले लिया और आज हर दिन वहां पर 56 भोग लगता है। तो ये जगन्नाथ की लीला है, वो भोजन लीला करते हैं, अपने अपने भक्तों को सेवा में लगाते हैं और बहुत सुंदर लीला करते हैं। ये बहुत ही, क्या कहते हैं उसको, प्रतिसादमय भगवान है, वेरी वेरी रिस्पॉन्सिव। एक मुसलमान भक्त, मुसलमान लेबर था, अमर काम का चल रहा था, तो वो अपना साइकिल पार्किंग करता था, तो उसको ना पुजारी ने जाकर, सभी रिक्शा वाले थे, सबको जाकर प्रसाद दिया, तो ये व्यक्ति बोला अरे मैं तो मुसलमान हूँ, मैंने खाता प्रसाद, से फेंक दिया उसको। तो रात में स्वप्न में बलदेव जी आए उसके, उसके पीछे जगन्नाथ और सुभद्रा खड़े थे और बलदेव जी उसको पीट रहे थे, क्या समझते अपने आपको, मेरे भैया का प्रसाद नहीं खाता है, अपमान किया तुमने, मेरे भैया का प्रसाद फेंक दिया। ऐसा पीटा उसको, ऐसा पीटा, गोरो गाल बड़े बड़े कर दिए उसके मार मार के। तो सपने में ही जग गया वो भाग भाग के आया मंदिर में, बोलो किधर है वो जगन्नाथ जी का प्रसाद, मुझे दे दो, मुझे खाना है उसको। और दूसरा एक था लेबर हमारे इस्कॉन ने मंदिर लेने के बाद में, तो वो रोज एक टाइल चुरा के लेके था, तो उसके घर में बहुत बड़े टाइल का ढेर हो गया था। जगन्नाथ जी गए, उसको ऐसा पीटा उसने, जगन्नाथ जी महाराज ने अपने जगन्नाथ जी इतना पीटा, तो बलदेव जी और सुभद्रा जी तालियां पर बजा रहे थे कि अच्छा हो गया, हम मंदिर का सामान चुराई करता है। तो बाद में फिर सुभद्रा जी बोल रहे मर जाएगा, इतना मत मारो। तो जगन्नाथ जी बोल रहे मारो, बलदेव जी मारो उसको। तो सुभद्रा जी बोले मत मारो, फिर छोड़ दिया गया उसको। अगले दिन वो अपने रिक्शा में सारी टाइल वापस लेके गया, लेके आया,
माफ करना, मैं आपका सामान चोरी करके ले जा रहा था। और एक दिन एक भक्त आया, तो वो आते आते ना दर्शन दोपहर का बंद हो गया था। अभी वो बोला मैं इतनी दूर से आया हूँ, मैं भी वापस जाना चाहता हूँ, तो क्या करूँ। बहुत बैठ के रोने लगा कि मुझे दर्शन दो दर्शन दो। तो पुजारी तो कहे अभी दर्शन बंद हो गया, अभी दर्शन नहीं मिलेगा। तो वो बैठ गया उधर ही, ठीक है आप जो कह रहे आप तो मालिक हो। और वो चला गया पुजारी, मंदिर बंद लॉक। थोड़ी देर के बाद में क्या हुआ, वो बैठा रहा, वो पुकार रहा है भगवान को, भगवान दर्शन दो दर्शन दो। अपने आप दरवाजा खुल गया और भगवान ने उसको दर्शन दे दिया। ऐसे ये जगन्नाथ जी बहुत जागृत हैं, और वो आप दर्शन दिलाता हूँ अभी, देखिए। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय हो, सुदर्शन चक्र भगवान की जय हो। एक दिन क्या हुआ, एक लड़की आई ना, उसको ना सुभद्रा जी के गले पे माला बहुत अच्छी लगी। तो उसने देखा इधर उधर कोई नहीं है, तो वो माला उठाना चाहिए ना, उसको लगा कि माला मुझे चाहिए। तो वो निकालने गई ना, तो बलदेव जी ने एक हाथ उठा के एक 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 कान के नीचे लगा दिया उसको, जोरदार टमाटर तमाचा मार दिया। तो वो रोने लगी बहुत जोरों से, पापा को कहने लगी पापा मुझे मारा। तो उसने कहा किसने मारा तुझे, बोले वो जो है ना सफेद रंग वाले, उन्होंने मुझे मारा। बोले तो क्यों मारा, क्योंकि तो मैं वो माला चाहती थी ना सुभद्रा जी की, तो मैं निकालने गई तो उन्होंने मारा मुझे। उन्होंने कहा उनके हाथ भी नहीं है। नहीं नहीं अच्छे अच्छे हाथ थे उनके, देखो कितनी बड़ी उंगलियां आई मेरे गाल के ऊपर। ऐसे बलदेव जी महाराज हमारे, ये बहुत लीला करते हैं। और जय जगन्नाथ भगवान की जय। तो 56 भोग का जब भी आप यहाँ पर यात्रा करेंगे ना, तो दोपहर के लंच की व्यवस्था भी यहाँ पर होती है। देखिए ये सब लोग भक्त लोग दर्शन कर रहे हैं जगन्नाथ जी भगवान का, और देखिए है ना ये जगन्नाथ जी का महाप्रसाद 56 भोग का, सब भक्त लोग उसका आस्वादन ले रहे हैं। और इसी सीमांत द्वीप में जगन्नाथ जी का बहुत सुंदर लीला है, और यहाँ पर ये भगवान की बड़ी कृपा है, कैसे इस्कॉन के नियंत्रण में ये मंदिर आया, कैसे जगन्नाथ जी स्वयं इस्कॉन के सेवा लेने के लिए आ गए, ये बड़ी विचित्र लीला है। और जगन्नाथ जी बहुत व्यक्तिगत भगवान है, मैं आपको लास्ट हफ्ते में बताया था कि जगन्नाथ जी कैसे भक्तों से कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। तो यहाँ पर जाकर आप कोई भी प्रार्थना करेंगे ना, आपको कोई मन में तमन्ना है भगवान की सेवा में, कुछ आपको मंदिर बनाना है, अस्पताल बनाना है, जगन्नाथ जी के पास जाकर आप प्रार्थना कीजिए, तो जरूर ये आपकी इच्छा पूरी कर देंगे। और जगन्नाथ जी का प्रसाद बहुत विशेष प्रसाद है, और कभी भी मौका आएगा तो जगन्नाथ जी का प्रसाद जरूर स्पॉन्सर करना, और जरूर प्रसाद पाना, यहाँ पर बहुत विशेष स्थान है ये। तो इस मंदिर से जब आगे जाएंगे तो इसमें एक कुंड भी है, वो जहाँ पर वो जगन्नाथ जी सॉरी गौरांग महाप्रभु सुबह देवी पार्वती को मिल रहे ना, उसके सामने कुंड है, और वो देवी पार्वती को यहाँ पर सीमांती देवी के नाम से जाना जाता है, सीमांती देवी। और वहाँ पर उनके पर पति शिव जी का भी मूर्ति है बाजू में, बहुत विशाल वृक्षावली में है, बहुत घना और बहुत चौड़ा बरगद का पेड़ है, उसके नीचे बहुत बड़ा शिवलिंग है जहाँ उनका पूजन किया जाता है। वो सीमांत द्वीप के शिव जी महाराज है, तो पति पत्नी दोनों वहाँ पर विराजमान हैं और सीमांत द्वीप में लीला करते रहते हैं, और गौरांग महाप्रभु यहाँ पर पार्वती पर बड़ा आशीर्वाद देते हुए बैठे हुए हैं। यहाँ से फिर हम लोग प्रसाद लेकर निकलते हैं, तो जंगल के रास्ते से खेत में जाने के बाद कम से कम 2-3 किलोमीटर चलने के पश्चात एक बहुत ही सुंदर स्थान आता है, उसका नाम है श्रीधरेर आंगन। हाँ श्रीधरेर आंगन यानी श्रीधर खोलवेचा, ये कुसुम आसव नाम के कृष्ण लीला में कृष्ण के सखा थे कुसुम आसव, और ये कुसुम आसव गौर लीला में श्रीधर बनकर आए। वे खोलवेचा का मतलब क्या है, जो केला बेचने वाला है, खोला मतलब केला, तो खोला वेचा यानी केला बेचने वाला। तो आप देख रहे हैं चित्रपट में, ये अभी तो बहुत सुंदर बना हुआ है घर, यहाँ पर वैसा घर नहीं था उसका, वो उसका घर जो था वो झोपड़ी थी, और वो झोपड़ी में कहते हैं कि छत कम था और छेद ज्यादा थी, उसकी धोती में भी धोती कम और छेद ज्यादा थी, इतना गरीब व्यक्ति था वो। और उसके घर पे ना छत के ऊपर हर रोज एक ऐसा एक वेली थी वेली, और वो वेली पर पपीता उसका फल आता था, दिन में एक पपीता आता था,
कहते हैं कि वो हमेशा उसको लेकर सच्ची माता को दिया करते थे और सच्ची माता उसका खीर बनाती थी महाप्रभु चैतन्य के लिए। तो छत पे बहुत सारे छेद और कोई सामान नहीं, घर में कुछ नहीं, विरक्त अवस्था, दिन रात भगवान का नाम लेते थे, खास करके रात भर भगवान को पुकारते थे। तो लोग उनके घर पे ना, जब ये रात को जोर जोर से भगवान को पुकारते थे ना, तो ये आजू बाजू वाले लोग थे ना, उनके घर पे ऐसे चपाती रोटी ऐसा फेंक के, ए खा लो खा लो खा लो, लेकिन चिल्लाना बंद करो, भूखे रहते हो दिन भर और रात को फिर चिल्लाते रहते हो। उनको लगता था कि ये भूखा है इसलिए चिल्ला रहा है, लेकिन बड़े प्रेम से चिल्लाते थे। और ये केला, केले का फूल जो सब्जी बनाते हैं उसकी, केले का पत्ता, केले का पत्ता का दोना, और केले का जो होता है ना स्टेम, उसको गाभा कहते हैं, उसको, सभी केले के पेड़ के जितने वस्तुएं हैं उसको यहाँ बेचते थे। और पूरे नवद्वीप में इसके सस्ता कोई दाम नहीं देता था, सबसे सस्ता बेचते थे वो। और जो भी आमंदनी होती थी, चाहे 1 रुपया हो, आधा रुपया हो, उस समय के बहुत बड़े होते, लेकिन 1 रुपया पूरे दिन की आमदनी मतलब गरीबी का लक्षण था वो। उसमें से कितना भी आएगा उतना आधा पैसा जो था वो गंगा जी की सेवा में इस्तेमाल करते, गंगा जी का पूजन करने में, गंगा जी की सेवा करने में, और आधे ही इनकम में अपना गुजारा चला करते थे। तो इतने महान भक्त थे श्रीधर। मुझे ना जब भी मैं सोचता हूँ उनके बारे में तो मुझे लगता है कि श्रीधर को मिलना चाहिए कभी, इतने 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 श्रेष्ठ भक्त हैं श्रीधर। तो हमारे गौरांग महाप्रभु बच्चों के साथ खेलते थे रोज बाल लीला में, लेकिन ना कभी कभी अचानक गायब हो जाते थे, और हर सवेरे कहते हैं हर सवेरे कई घंटों के लिए गायब रहते थे। सब लोग सोचते थे कहाँ गए कहाँ गए, किसी को पता नहीं था, और कितने सालों तक पता नहीं चला। क्या करते थे महाप्रभु जी, यहाँ पर आते थे श्रीधर आंगन में सीमांत द्वीप में, और श्रीधर के पास आकर बहस करते थे, मुझे केला दो, मुझे वो केले का दोना दे दो, पत्ता दे दो, केले का फूल दे दो। फिर कहते मैं कितना में दिया, तो वो कुछ दाम बोलता था, बोलते तो कितना महंगा बेच रहे हो, हाँ इतना महंगा बेच के पैसा लेके जाते क्या हो। तो कहते नहीं बाबा, आप कहीं भी जाकर देख लो, पूरे नवद्वीप में इतना सस्ता किसी को नहीं मिलेगा। नहीं नहीं मुझे उसका आधा दे दो, नहीं 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 नहीं, नहीं इतना दे नहीं दे पाऊंगा, इतना कम दूंगा तो मैं फिर खाऊंगा क्या और गंगा जी की पूजा कैसे करूंगा। अरे नहीं नहीं तुम्हारे पास बहुत धन है, मैं जानता हूँ तुम ऐसे ही ज्यादा माव लगाते हो, बहुत पैसा कमा के रखा है तुमने, तुम्हारे पास बहुत धन है, एक दिन तुमको मैं ऐसा एक्सपोज कर दूंगा ना, सबके सामने मैं दिखा दूंगा तुम्हारे पास कितना धन है, तुमने छुपा के रखा है। अरे निमाई तुम इतना क्यों मजाक कर रहे हो मेरे को, इतना आप जानते नहीं हो कि मैं इतना गरीब हूँ और आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा मत करना, मैं आपको वाजवी दाम लगा रहा हूँ। तो बाद में फिर ये नहीं ये नहीं ये अच्छा इतना दाम में दो करके करके 2 से 3 घंटा उससे बहस करते थे, 2 से 3 घंटा एक एक वस्तु के लिए, और आखिर में जो जो चाहिए उठा के फ्री में लेके भागते थे। तो फिर वो चिल्लाते थे, अरे निमाई तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, मेरा घाटा क्यों कर रहे हो, मेरा नुकसान कर रहे हो तुम। तो ये हर रोज 2 से 3 घंटा हर एक वस्तु पर उसके दाम पर बहस करते थे, और अंत में वो बिना शुल्क दिए हुए उसको लेकर भागते थे। अभी किसी को पता नहीं कि कहाँ गायब रहते हमारे गौरांगा। फिर वो महाप्रकाश लीला का समय आया, तब महाप्रभु जी तो उसमें बालक नहीं थे, उसमें से जवान हो गए थे। महाप्रकाश का लीला का समय आया तो उन्होंने दुखी दुखी पर कृपा किया, है ना, उसको सुखी बना दिया, आनंद कर दिया, उसको आनंद विभोर कर दिया। फिर एक एक करके भक्तों पर कृपा करना शुरू किया, बहुत भक्तों पर कृपा किया एक के बाद एक के बाद। उसमें अद्वैत आचार्य थे, हरिदास ठाकुर थे, बहुत बड़े बड़े भक्त थे, श्रीवास पंडित थे। तो अचानक गौरांग महाप्रभु बोलते हैं श्रीधर श्रीधर श्रीधर, तो किसी ने भी श्रीधर का नाम नहीं सुना था, मतलब ऐसा कोई भक्त है ये भी किसको पता नहीं था। तो सब लोग ना एक दूसरे की ओर देखने लगे, तो कोई श्रीधर तो था नहीं उसके अंदर, कोई इस नाम भी सुना नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा कौन श्रीधर है इसके अंदर। तो फिर महाप्रभु को पूछते हैं, अरे महाप्रभु जी आप बताइए ये कौन श्रीधर भक्त है, इतना आप उसको प्रेम से पुकार रहे हो, कोई महान भक्त होगा, लेकिन हम जानते नहीं उसको, हम जानना चाहते हैं कौन है वो। कहते जाओ सीमांत द्वीप में जाओ, और जहां पर आपको भगवान का नाम सुनाई पड़ेगा ना उस दिशा में चले जाओ, भगवान का नाम सुनते 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 चले जाओ। तो इसमें मैं आपको एक बात बताना भूल गया,
एक बार वो गौरांग ऐसे ही श्रीधर के झोपड़ी में आए थे, तो एक एक लोटा था, लोटा वो लोटा था ना, ऐसा मार खाया हुआ था लोटे ने, सब जगह से पीटा हुआ लोटा था वो। और वो लोटा से वो स्नान भी करते थे, शौच भी करते थे, कुल्ला भी करते थे, मुंह भी धोते थे, सब कुछ करते थे। मतलब वो मल्टीपर्पज था, एक ही लोटा था, बेचारे पास कुछ था ही नहीं। ऐसा नहीं कि स्नान के लिए अलग है, होना चाहिए, लेकिन नहीं था तो क्या करेंगे। तो वो उसमें पानी रखा हुआ था, पता नहीं कौन सा क्रिया करने के बाद पानी रखा हुआ था। तो गौरांग वहां पहुंचते हैं, सीधा पानी लेकर उसको पी लेते हैं और कहते हैं कि आज मैंने सबसे बड़ा धन जो है, सबसे बड़ा अमृत के साथ जल का प्राशन किया। तो इधर श्रीधर चिल्ला रहा है, अरे गौरांग मत करो, निमाय ऐसा मत करो, अरे वो गंदा लोटा है, उसी में सब कुछ करता हूँ, आप ऐसा क्यों करते हो, नहीं नहीं ये सबसे बड़ा धन है बोलते, और आप ना आपके झोपड़ी में सबसे बड़ा धन छुपा के रखे हो, मैं जानता हूं, एक दिन मैं सबके सामने तुम्हारे धन को ना पर्दाफाश कर दूंगा। तब ये भी बात हुई, किसी को पता नहीं ये बात हुई, अभी भक्त लोग ढूंढ रहे हैं महाप्रकाश के बीच में, श्रीधर कौन है, श्रीधर कौन है। तो सीमांत द्वीप जाते आवाज आने लगी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कोई हृदय से पुकार रहा है। और जैसे आवाज बढ़ती गई, उसके पास 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 जाते गए, तो गए तो क्या देखा, एक झोपड़ी है टूटी फूटी सी, हाँ छप्पर पूरा फटा हुआ है, एक अंदर आदमी बैठा हुआ है, धोती पूरी फटी हुई है, और भाव विभोर होकर आंखों से अश्रु बह रहे और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। उन्होंने कहा श्रीधर श्रीधर, तो उनका ध्यान भंग होगा, यस आप श्रीधर हो, तो हाँ हम श्रीधर है, गौरांग महाप्रभु आपको बुला रहे हैं, क्या कह रहे हो, मुझे बुला रहे हैं, मुझ जैसे पतित को बुला रहे हैं, हाँ आपको ही बुला रहे हैं, आप ही श्रीधर हो ना, हाँ हम श्रीधर हैं। तो गौरांग महाप्रभु मुझको बुला रहे हैं सुनकर ये बेहोश हो गए, उधर पूरा बेहोश हो गए। तो भक्तों को तो आदेश था उनको लेकर आना है, तो भक्तों ने उनको बेहोश अवस्था में उठाया कंधे पर, और बेहोश अवस्था में लेके आए श्रीवास आंगन में जहां पर महाप्रकाश लीला हो रही है, और बेहोश अवस्था में महाप्रभु के चरणों में रखा, अभी भी बेहोश है। तो महाप्रभु जी बोलते हैं श्रीधर उठो, श्रीधर उठो। तो श्रीधर तुरंत उठ के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं बोलो श्रीधर, क्या दू तुम्हें मैं, क्या दू। अभी वो सबको देने के भाव में ना, पूरा औदार्य भाव में सबको देना चाहते हैं, देना चाहते हैं, देना चाहते हैं, सब लोग को कुछ ना कुछ दिया, सबको दर्शन दिया, कुछ ना कुछ दिया, लेकिन उधर श्रीधर जी बोल रहे हैं क्या देंगे मुझे आप, मैं क्या लूं आपसे। तो कहते हैं मैं आपके लिए ना एक पूरा लोक दे दूंगा, पूरा लोक लेके मैं क्या करूंगा, मुझे जरूरत क्या है, मैं झोपड़ी में संतुष्ट हूँ। तो कहते हैं तुम एक काम करो, तुम अष्ट सिद्धि ले लो, अनिमा लहिमा मगिमा हाँ प्राप्ति सिद्धि, ऐसे 8 सिद्धियां होती है, उससे आप जो चाहे कर सकते हो। बोले ये तो बड़ा डिस्टर्बेंस है, तकलीफ वाली काम है, ये लेके मैं क्या करूंगा, मुझे नहीं चाहिए ये। तो कहते हैं फिर धन दौलत ले लो, जमीन ले लो, अलंकार ले लो, ये ले लो, वो ले लो, मतलब जो जो चीज हम जैसे लोग, आप हमारे जैसे लोग मांगते हैं ना या इच्छा रखते हैं, जिसके लिए लोग झगड़ा करते हैं, जिसके लिए लोग युद्ध करते हैं, जिसके लिए लोग जीवन भर तड़पते रहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, वो सब चीज उन्होंने दिया, उनको देने के लिए बताया, ले लो ले लो ले लो, लेकिन मुझे जो मन को वो एक बात भाती है उनकी, जो जो चीज हाँ स्वयं चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु देने के लिए तैयार है, और खुद बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये बोल रहे हैं महाराज मुझे अच्छी बीवी दो, महाराज मुझे अच्छे बच्चे दो, एक घर जरा फटा हुआ घर है जो अच्छा घर दे दो, ऐसा नहीं मांग रही है, इनको महाप्रभु पूछ रहे हैं ले लो, तो वो कुछ कुछ बोले कुछ नहीं बोल रहे, तो महाप्रभु खुद ही बोल रहे हैं ये ले लो ये ले लो वो ले लो, ऐसा कुछ मजाक में नहीं बोल रहे हैं, वो देने की समर्थता है उनके अंदर, सक्षम है भगवान, हाँ बोलते तुरंत दे देते उनको। लेकिन हर एक वस्तु का नाम लेते थे महाप्रभु जी, तो ये कहते थे इट इज सिंपली अ डिस्टर्बेंस, ये चीज को प्राप्त करना मतलब एक कष्ट वाला काम है, एक तकलीफ वाला काम है, एक हेडेक है मेरे लिए, ऐसा कौन बोल सकता है। आप बोलेंगे मुझे पृथ्वी का पूरा राजा बना दो, तो आप बोलेंगे डिस्टर्बेंस है, ऐसा कोई बोल नहीं सकता है। अरे दे रो भाई, पृथ्वी का राज मिल रहा है तो कौन छोड़ेगा उसको, स्वर्ग का राज मिल रहा है, इंद्रपद मिल रहा है, सब कुछ उसको ऑफर किया, हर एक ऐसी वस्तु ऑफर की उनको जिससे हम सब लोग मोहित हो सकते हैं। उल्टा हम बोलेंगे महाराज रुको रुको जरा, मैं एक लिस्ट बनाता हूँ पूरी, फिर आपको सबमिट करता हूँ, वो सब पूरी कर देना एक बार, अच्छे मूड में आप आज
लेकिन हर एक चीज का नाम लेने पर श्रीधर ने कहा कि मुझे ये सब चीजें प्राप्त करने से कष्ट होगा, तकलीफ होगी, बाधा होगी मेरी भक्ति में। तो भगवान ने बोला, अरे श्रीधर, मैं तुम्हें देना चाहता हूं, तुम्हें देने से मुझे खुशी होगी, तुम मांगो, आज मैं देने के भाव में हूं, मुझे देना है आपको, आप कृपा करके मुझे कुछ ना कुछ मांगो, मैं आपको कुछ ना कुछ देना चाहता हूं। तो श्रीधर क्या सोचते हैं, देखो मुझे चाहिए तो कुछ नहीं, लेकिन देख रहा हूं कि अगर मैं कुछ मांगूंगा ना तो इनका आनंद होगा, और इनको आनंद देना मेरा फर्ज है, ये मुझे बड़ा आनंद आता है इनको आनंद देने में, अगर मेरे कुछ मांगने से इनको खुशी होती है, चलो कुछ मांग लेते हैं, देखो क्या मांगते हैं। हाँ, हम बोलेंगे चलो एक काम करो, एक झोपड़ी अच्छी है ना, उसको छत बना दो, ठीक है आपको देना है तो छत बना दो, एक छत अच्छा हो जाएगा तो ठीक रहेगा। खुद के लिए एक भी वस्तु नहीं मांगी उन्होंने, तुच्छ वस्तु भी नहीं मांगी, हाँ एक छप्पर रिपेयर करने का भी नहीं मांगा उन्होंने। क्या बोला, महाराज जी आप क्या करना, जन्म जन्मांतर में, इस जन्म में भी और आगे जितने जन्म लूंगा ना उसमें सब जन्म में एक काम करना, रोज सवेरे आना और मैं केले बेचते रहूंगा, आप आते रहना, दो तीन घंटा बहस करते रहना, आखिर में सब चीज उठा के फ्री में लेके जाना क्योंकि मैंने देखा है कि ऐसा करने में आपको बड़ा आनंद आता है। अभी जो वरदान भी मांगा ना उसमें खुद को कुछ नहीं है उसके अंदर, हाँ समय का तो वेस्ट होने वाला है, ऊपर से जो चीज ले जाएंगे वो भी फ्री में लेके जाएंगे। तो क्या देखते हैं हम इसके अंदर कि भक्त का जीवन कितना निरपेक्ष होता है। देखिए वो खुद के लिए कुछ नहीं चाहता है, स्वतः के लिए कुछ नहीं चाहता है, भगवान के लिए सब कुछ करता है। वो है ना, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। ये बाकी जितने भी परमार्थी लोग है ना, एक तो भुक्ति है, कर्मकांड करते हैं उसका फल चाहते हैं, एक तो बैरागी लोग है वो ज्ञान प्राप्त करते हैं और वो विरक्त होकर मोक्ष चाहते हैं, और तीसरे कैसे हैं, उनको दुनियादारी का कोई आनंद नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी शक्तियां चाहिए कि भाई हाथ लगाऊंगा तो ठीक हो जाएंगे, हाथ लगाऊंगा तो अग्नि उत्पन्न हो जाएगी, हाथ लगाऊंगा तो सोना उत्पन्न हो जाएगा, चमत्कार चाहिए उनको, सिद्धि चाहिए। लेकिन ये तीनों चीजें भगवान के नाम पे करते हैं लेकिन खुद के लिए चाहते हैं, भुक्ति भी भोग भी खुद के लिए चाहते हैं और मोक्ष भी खुद के लिए चाहते हैं, सिद्धि भी खुद के लिए चाहते हैं। लेकिन भक्त कैसे होते हैं, भक्त की व्याख्या ही एक है, वो खुद के लिए कुछ नहीं चाहते हैं। ऐसे ही श्रेष्ठ भक्त का उदाहरण खोलवेच श्रीधर है। और एक बात विशेष ध्यान में आती है कि जैसे कोई धनी व्यक्ति होता है, समझो वो रोज 8-10 घंटे काम करता है, तो वो हो सकता है कि 8-10 घंटे में 500 करोड़ कमाता होगा, तो उसके ना हर घड़ी की कीमत होती है, एक घंटा की कीमत इतनी है कि भाई एक घंटा में वो इतना कमा सकता है। तो विश्व का सबसे धनी व्यक्ति होगा तो उसका भी एक वैल्यू होता है कि एक घंटे में इतना कमा सकता है। अभी आप विश्व को भूल जाओ, इंद्र को देखो, तो इंद्र तो देवताओं का राजा है, उसके पास भी अमूल्य धन है, जो यहाँ पृथ्वी के धन के सामने तो वो अनंत धन है, यहाँ का धन तो तुच्छ है सबसे धनी व्यक्ति का। तो इंद्र के अपने समय का वैल्यू है कि भाई इंद्र का एक घंटा होगा स्वर्ग का तो इतना धन की वैल्यू है उसको। अब इंद्र के आगे आप जाइए विष्णु के ऊपर जाइए, विष्णु का भी एक समय का वैल्यू होगा, फिर महाविष्णु का होगा। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम परमोच्च धाम गोलोकेश्वर श्री कृष्ण भगवान की याद, हाँ श्री कृष्ण भगवान के विषय में विचार कर रहे हैं। तो परम श्रेष्ठ श्री कृष्ण भगवान गोलोकेश्वर जब वो आ जाते हैं नीचे अवतार लेकर, अभी देखिए 48 साल का अवतार लिया है, हाँ कितने सारे काम करने हैं, हरिनाम संकीर्तन भी करना है और जो अनार्पिता जो लोगों को दिया नहीं है उसको प्राप्त करना है, ये खुद के लिए विचार करना है कि राधा रानी का प्रेम क्या है, कैसा प्रेम है उनका, उसका अनुभव करना है, मेरे अंदर क्या ये क्या महानता है उसको भी देखना है। इतने सारे कामों के अंदर 48 केवल साल दिए, ऐसा नहीं कि भाई राम भगवान ने 11,000 वर्ष तक राज्य किया था, केवल राज्य किया था, पहले बहुत साल जिए थे वो, केवल कलयुग के 48 साल वो लीला कर रहे हैं, उसमें से कुछ लीला तो 24 साल ही रहने वाले उधर नवद्वीप में, उसके आगे तो सन्यास लेकर जाने वाले, मतलब 48 में 24 चले गए तो 24 ही बचे, तो 24 में से हर रोज सुबह के 3 घंटे बिता रहे हैं गोलवेच के साथ, और अपरेंटली क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, एक समय बर्बाद कर रहे हैं, बेकार की बहस कर रहे हैं, दिन ब दिन एक एक घंटा दो दो घंटा तीन तीन घंटा रोज बहस कर रहे हैं,
इतना में दो उतना में दो, ये महंगा है वो ज्यादा महंगा है, तुम ज्यादा लूटते हो लोगों को और इसमें कम दे दो, और दो तीन घंटा ये सब बहस करने के बाद में क्या कर रहे हैं, फ्री में लेके जा रहे हैं। आप सोचिए परम भगवान का समय कितना कीमती है, हाँ एक एक काम में कितनी कितने सारे उद्देश्य पूरा कर लेते हैं, लेकिन वैसे सबसे समय जिसका सबसे मूल्यवान है, ऐसे भगवान अपने 48 साल के लीलाओं के संबंध में रोज 24 साल के अंदर रोज 3 घंटा बिता रहे हैं श्रीधर के साथ, तो श्रीधर को कितना प्रिय होगा, श्रीधर के साथ समय बिताने में उनको कितना आनंद आता होगा। यस आप लोग जरा एक मिनट होल्ड कीजिए, यहाँ पर जरा नेट का प्रॉब्लम हो गया, सब लोग हमारे को होस्ट लोग बाहर फेंके गए, उनको जरा हम लोग वापस अंदर लेते हैं। हरे कृष्ण, तब लोग आप हरे कृष्णा मंत्र जप कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है चलो, तो मैं कह रहा था कि भगवान अपना सबसे मूल्यवान जिनका समय है, वो व्यक्ति परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर आकर श्रीधर के साथ में 3-3 घंटा मानो वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन भगवान कभी भी समय बर्बाद नहीं करते हैं। भगवान तो बड़े समय को, समय खुद है ना वो, तो सबसे ज्यादा समय की कीमत वही करते हैं, अपना समय जो है बहुत ही कीमती जगह पर उसको इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इस तरह से श्रीधर कौन है इसका परिचय भगवान ने महाप्रकाश लीला में दिया, और श्रीधर के पास जो प्रेम का धन छुपा हुआ था वो भगवान ने महाप्रकाश लीला में उसको प्रकाशित कर दिया। यानी उनके पास प्रेम का धन था, उनके पास रुपये का धन नहीं था, वस्त्र का धन नहीं था, घर का धन नहीं था, प्रॉपर्टी का धन नहीं था, और इसी की वजह से श्रीधर खोलवेचा श्री निमाई को, निमाई पंडित को, गौरांग महाप्रभु को अति 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 प्रिय थे। तो ये स्थान अभी आपके सामने तो बनाया रखा गया, वो तो बिल्कुल चकाचक पेंट वेंट करके सीमेंट का पक्का घर बना देंगे, लेकिन वो तो ऐसा छपरा था, ऐसा कहते हैं कि इतना वो रोज वहां पर झोपड़ी के ऊपर वो आता था ना पपीता, तो जिस दिन गौरांग महाप्रभु ने संन्यास लिया, मतलब संन्यास लेने का निर्णय लिया मकर संक्रांति के दिन, उस दिन शाम को, जैसे अभी रात को जाने वाले हैं महाप्रभु, तो उस दिन शाम को श्रीधर जी वो पपीता लेकर सची माता के पास आए और सची माता को दिया। सची माता ने उस पपीते की खीर बनाई, उसमें ना खजूर का गुड़ डालते हैं और उसको कीस कर उसका दूध में बनाते हैं, हमने भी महाप्रभु के गांव में जाकर उसको बनाया था, खजूर का गुड़ से पपीते की खीर। तो सची माता ने वो बनाई, सची माता के हाथ से बनी हुई जो पपीते की खीर थी ना वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हुआ करती थी, वो बड़ी फेमस थी। और दूसरा उनके हाथ में बना हुआ, हाथ से बना हुआ केले के फूल की सब्जी बड़ी प्रसिद्ध थी, यहाँ तक कि एक रंग रंग रंगदेव स्वामी थे, रंग रंग जी महाराज, वो पंडरपुर में चैतन्य महाप्रभु को मिले थे संन्यास लेने के बाद में, तो ऐसे ही बात कर रहे थे कि आप कहाँ से हो, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं तो नवद्वीप से हूँ। अच्छा आप नवद्वीप से हो, ओ मैं भी नवद्वीप में गया था, उधर एक अच्छे ब्राह्मण थे जगन्नाथ मिश्रा और उनकी पत्नी थी सची देवी, उनके घर पे मैं रुका था, और वो सची देवी माता जो थी बड़ी जगन माता जैसी दयालु थी, वात्सल्यपूर्ण थी, उसके हाथ से मैंने केले की फूल की सब्जी खाई थी, इतनी स्वादिष्ट थी। तो पूरा वर्णन सुना उन्होंने, बाद में बताया कि चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि अरे वो मेरी माँ थी और मेरी माँ और पिताजी थे और मैं उनका बेटा हूँ, तो देखकर गदगद हो गए वो रंग जी महाराज। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु के माता के हाथ की पपीते की खीर जो थी ना, पम्पकिन खीर बहुत प्रसिद्ध थी, तो वो चैतन्य महाप्रभु ने सबसे आखिर में आस्वादन लिया उसका। अपना गृहस्थी जीवन, अपना माता पिता का पत्नी के साथ का जो समय था वो समाप्त करने के पहले उन्होंने श्रीधर के छत पर आए हुए पपीते की जो खीर जो है उसका आस्वादन किया,
और फिर रात को वहां से प्रयाण किया। यस, क्या कहना चाहते हो? थोड़ा मुझे समय दीजिए, ये थोड़ा टेक्निकल यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी सूरज बागड़े को भी मुझे करना है ना कोर्स, अभी ज्वाइन होने के बाद में करता हूँ। हाँ, हो गए ज्वाइन। ठीक है, जय गौरांगा गौरांगा, जय हो जय हो जय हो। तो अभी हम श्रीधर श्रीधर के घर के सामने खड़े हैं। देखिए, श्रीधर के घर के सामने खड़े होकर ना आप अपने हृदय में जो भी प्रार्थना करने की शक्ति है ना, वो पूरी यहाँ पर लगा देना, क्योंकि ऐसा भक्त तो कभी आपको दोबारा मिलेगा नहीं। हाँ, इसमें एकांत में महाप्रभु ने उनके साथ इतना समय बिताया, इतना प्रेम व्यक्त किया है, और इतना अद्भुत प्रेम से उसको भगवान ने भर दिया पूरा। उसका पहले ही जीवन प्रेम से ही भरा हुआ था, लेकिन महाप्रकाश लीला में वो प्रेम तो सबके सामने प्रकाशित कर दिया। सब लोगों ने पहली बार महाप्रकाश लीला में पहली बार श्रीधर को देखा। आप श्रीधर से प्रार्थना कीजिए, मैंने कई बार यहाँ पर प्रार्थना की, आप भी प्रार्थना कीजिए कि श्रीधर जी महाराज, आपके हृदय में जो भगवान के प्रति प्रेम है, जो निरपेक्ष भाव है, जो निस्वार्थ भाव है, आपने महाप्रभु जी के लिए कितना अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, तो ये थोड़ा सा प्रेम का जो एक बूंद हमें भी दे देना, कभी हम महाप्रभु जी के चरणों में अपने प्रेम को भी अर्पण कर सकते हैं, महाप्रभु जी का हृदय जीत सकते हैं। आपने जिस तरह से जीत लिया उनका हृदय, और जैसे महाप्रभु जी ने आपको अपना समझा, हमें भी आपकी कृपा हो जाए तो हम भी महाप्रभु जी के बन जाएं, हमारा भी जीवन आपकी आपकी जैसे ही महाप्रभु जी के चरण में उनकी सेवा में उनके आनंद के लिए निस्वार्थ रूप में निछावर हो जाए, यही हमारी श्रीधर खोलवेचा के चरणों में प्रार्थना है। हरे कृष्णा गौरांगा। फिर इधर सीमांत द्वीप में एक और बहुत सुंदर स्थान है। देखिए, अभी ये जो हरा भरा पेड़ भी हमने देखा हुआ है, लेकिन इसमें अभी पत्ते नहीं है, पतझड़ का समय में फोटो निकाला है। इसमें ये जो पूरी नीचे सफेद रंग का स्ट्रक्चर है ना, वो चांद काजी की समाधि है। मैंने आपको बताया ना कि महाप्रभु ने चांद काजी के घर में गए, अभी तो वो घर नहीं रहा, उसका कुछ निशान भी नहीं है वहां पर, लेकिन महाप्रभु जी उनके महल में घर पे गए और बहुत समय तक महाप्रभु जी ने उनके साथ वाद विवाद किया और उनको ये कन्विंस किया कि कैसे आपको गाय की हत्या नहीं करनी चाहिए, हा? और कैसे हम लोग भगवान को मूर्ति के रूप में पूजा करते हैं। तो वहीं पर थोड़े समय में ही चांद काजी को, जो कंस का अवतार था, उसको शुद्ध भक्त बना दिया। और आज भी वहां पर जो यवन समुदाय है वो बड़े प्रेम से रहते हैं, वहां पर इतना टेंशन नहीं है। और जब भी पूरे जीवन में वो चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करते रहे, आखिर में शुद्ध भक्त के भाव से ही वो अपना शरीर त्याग दिया, तो इस जगह पर चांद काजी की शरीर को समाधि में यानी कब्र में रखा गया। और अपने ही तरफ से, हाँ, स्वतः ही नेचुरली इस कब्र के जमीन के ऊपर से दो पेड़ आए, एक नीम का पेड़ और एक चंपा का पेड़, क्योंकि चांद काजी को प्रेम से चंपा कहते थे, और चंपा के लिए चंपा का पेड़ आया और नीम का पेड़ आया, तो दोनों पेड़ जो है ना वो एक ही बुंदे से निकल रहे हैं, ऐसा अद्भुत दृश्य यहाँ पर है। तो चांद काजी के समाधि में हम जाते हैं और प्रणाम करते हैं, और चांद काजी तो कंस का अवतार था, लेकिन फिर भी भगवान ने कंस का जो कंसता थी उसको नष्ट कर दिया, और कंसता को नष्ट करके उसका वैष्णव स्वरूप जागृत कर दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जाति पाति धर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता है, भगवान की भक्ति जो है वो सबके लिए उपलब्ध है। देखिए, भगवान ना दीना हीना याता चिलो, तो ब्राह्मण जाति के राक्षसी वृत्ति के लोग थे उनको भी उन्होंने उद्धार कर दिया, तो वो भी यहीं पर हुआ है नवद्वीप धाम में, जगाई मधाई का उद्धार। हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के आदेश से नित्यानंद प्रभु को लेकर रोज जाते थे, हाँ, दीना हीना याता चिलो,
सब लोगों को हरिनाम बांटते थे। हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु तो अवधूत थे पर पागल की तरह सब जगह जाते थे, और पिछले अवतार में तो उन्होंने अपने हल से, गदा से और मुसल से सबको पीट पीट के मारा, धेनुकासुर को मारा, द्विविध गोरिल्ला को मारा, प्रलंबासुर को मारा, किसी को छोड़ा नहीं, और रुक्मी को मारा, थोड़ा सा मजाक किया तो उठा के गदा डाल दिया सर के ऊपर। लेकिन इस अवतार में क्या कर रहे हैं वो, देखिए कितना प्रभाव है कलयुग का इनके औदार्य का। दरवाजे पे जा रहे हैं गृहस्थों के, पतित गृहस्थों के दरवाजे पे जा रहे हैं और विनती कर रहे हैं, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, बोलो कृष्ण कहो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, अरे कृष्ण ही सब कुछ है, अरे सब कुछ छोड़ो, भगवान का नाम लो, कृष्ण की शिक्षा सुनो, कृष्ण की शिक्षा को जीवन में उतारो। लोग भी इतने पतित हुआ करते, साक्षात भगवान उनके चरणों में उनके दरवाजे पर आकर खटखटा के हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, फिर भी उनके मुंह पर दरवाजा बंद करते थे, फिर दरवाजा बंद करते थे तो फिर उठते थे, दरवाजा खटखटा रहे थे, हाँ तो महाप्रभु की कृपा हो रही है, लोग सो रहे हैं, ऐसा क्यों दरवाजा खटखटा रहे हैं महाप्रभु जी ना, अपना नित्यानंद प्रभु जी, और दरवाजा खटखटा के क्या कर रहे हैं, फिर दरवाजा खोल के बोल रहे वापस सुनने खटखटाया नहीं, मैं आप ना 10 बार 50 बार मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर सकते हो, लेकिन कृष्ण का नाम ले लो, कृष्ण ही माता है, कृष्ण ही पिता है, ऐसे अनंत बार एक ही दरवाजे में बार बार गिरकर खटखटाते थे और विनती करते थे। तो एक बार वो हरिदास वो जा रहे थे तो उनको वो दो नशे वाले लोग मिले, जन्म से ब्राह्मण थे, इतने पाप करते थे, कहते थे कि एक दिन के अंदर हमारे पूरे सब समुदाय मिलकर जीवन भर में जितना पाप नहीं कर सकता था उतना पाप वो एक दिन में दोनों मिलकर करते थे, और कोई कौन सा ऐसा पाप नहीं छोड़ा था जो वो नहीं करते थे, हाँ किसी को घर में आग लगाना, बलात्कार करना, लूटना लोगों को, शराब पीना, व्यभिचार करना, हर प्रकार का पाप जो हम सोच सकते हैं वो सब कर सकते थे। इतना तक कि यमराज के जो दूत थे ना असिस्टेंट लोग, वो यमराज के लोक में सब लोग एकदम विफलता में आ गए थे कि इनका रिकॉर्ड कैसे रखेंगे, अभी सब रिकॉर्ड रखने का जगह फुल हो गया, फिर जमीन पे गड्ढे बनाए, जमीन के गड्ढे भी रिकॉर्ड रख रख के फुल हो गए, अभी कहाँ रखे, जो स्टाफ थे यमराज के वो भी इतने परेशान हो गए, बोले कहाँ रखेंगे इसको, और ऊपर से रखेंगे ठीक है भाई, लेकिन इसका उसको दंड भी देना है सबको निकाल निकाल के रिकॉर्ड का, तो रिकॉर्ड रखना एक प्रॉब्लम है, रिकॉर्ड का निकाल के दंड देना कितना बड़ा प्रॉब्लम है, ऐसे परेशान थे वो यमराज को, यमदूतों को भी कभी थकान नहीं होती है दंड देने में, पर आनंद आता है उनको, उनका सेवा ही है वो। लेकिन इस बार ये जगाई मदाई को देख कर ना वो दोनों बेचारे सब लोग परेशान थे। यमलोक का पूरा मतलब क्या ना उसको कहते हैं हमारी भाषा में बर्नआउट सिंड्रोम, मतलब काम करके थक गया आदमी, अभी वो घोड़ा जो है ना बैठ गया उधर, उठ ही सकता नहीं, वो इतना सामान लाद दिया उसके ऊपर, ऐसे वो यमदूत पूरे परेशान थे। तो ये नित्यानंद प्रभु क्या सोचते हैं, अरे इन लोगों को भक्त बनाना चाहिए, इनको भक्त बनाएंगे ना तो महाप्रभु का रियल गौरव होगा, महाप्रभु जिस काम के लिए आए हैं ना वो काम इनको भक्त बनाएंगे तो एकदम टॉप पे चला जाएगा। अब विचार तो बड़ा नेक है जैसे रावण को भक्त बनाया जाए ऐसा सोचेंगे कोई, ऐसे सोच रहे हैं तो उनके पीछे लग गए, उनको जाके शराब के नशे में सबको मटका मार रहे हैं, सब दुकान फोड़ रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, ऐसे अच्छा हाहाकार मचा रहे मार्केट में, तो जाते हैं बोलते हैं अरे भगवान का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, तो उनको ना ऐसा लगा कि अरे हमको बताने की हिम्मत कर रहा है, तो मारने के लिए भागे, तो ये भागे दोनों, भाग भाग के आए, महाप्रभु को रिपोर्ट दिया कि आज का हर दिन का सेवा का रिपोर्ट देते थे, महाप्रभु को रिपोर्ट दिया कि, तो हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं मैं इनका रिपोर्ट दूंगा विशेष आज का, अरे इनके साथ चलना मतलब बहुत खतरे की बात है, ये जहाँ जाते पता नहीं क्या करते हैं, कहाँ घुसते हैं, किसके घर में जाते हैं, आज तो पूरा मरते मरते दोनों बच गए, अरे उन दोनों को भक्त बनाने की बात कर रहे हैं वो, इतने सबसे बड़े पापी लोग हैं। तो नित्यानंद प्रभु देख के हंस रहे हैं। दूसरे दिन ना वापस उसी मार्केट में जाते हैं जहां पर ये लोग तमाशा कर रहे हैं पूरा, वहां जाके फिर से बोलते हैं कृष्ण का नाम लो, ये जीवन में कृष्ण का नाम लो, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, बोलो कृष्ण कहो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो उनको इतना गुस्सा आया, कल तो इतना हिम्मत की हमें आकर प्रचार करने की, आज दोबारा हमारे साथ जीवन प्रिय नहीं किया इनको, पर आज उनको जीवन समाप्त कर देते हैं, ऐसे उठा के ना एक मटका था शराब का जिसमें शराब पी रहे थे, पूरा मध्य धुंध थे, उसको उठाया और दे लेकर मारा नित्यानंद प्रभु के सर पे, तुरंत खून आने लगा, लथपथ हो गए पूरा खून से,
और जमीन पे गिर गए, उसी क्षण गौरांग महाप्रभु वहां प्रकट हो गए। जहां जहां भक्त का अपराध होता है, महाप्रभु कृष्ण भगवान चुप नहीं रह सकते हैं, उस समय प्रकट हो गए वहां पर। इतना क्रोध था उनके आंखों में, आंखें लाल लाल कोयले की तरह, और आए थे सबका उद्धार करने के लिए, लेकिन इतना क्रोध हुआ उनको तो उन्होंने उंगली उठाकर चक्र को आह्वान किया, चक्र चक्र करके आह्वान किया, और उसको छोड़कर दोनों का सर काटने वाले थे। देखो आउट ऑफ शेड्यूल काम कर रहे हैं, है ना। आए थे हरिनाम संकीर्तन करके कृपा देने के लिए, लेकिन भक्त के ऊपर हुआ अपराध देखकर इतना क्रोध आया कि अपना खुद का नियम तोड़कर चक्र को आह्वान कर रहे हैं। जैसे उन्होंने खुद का नियम तोड़कर चक्र उठाकर भीष्मदेव पर आक्रमण किया था जब अर्जुन के ऊपर हमला किया गया था, उसी प्रकार से उन्होंने चक्र को आह्वान किया, लेकिन वो चक्र जो है ना उनके उंगली से निकला ही नहीं, निकला ही नहीं। क्योंकि नित्यानंद प्रभु जैसे बेहोश जैसे पड़े थे, महाप्रभु का आवेश देकर जगे और सीधे महाप्रभु के चरणों में जाकर लिपटे, बोले महाप्रभु जी आप सबका उद्धार करने के लिए आए हैं, आप अगर इन दोनों को मारते हैं तो आपको प्रायः सबको मारना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग छोटे मोटे पैमाने पर जगाए मदाई हैं इस दुनिया में। ये दिख रहे बड़े, लेकिन दुनिया में जितने भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं सब लोग जगाई मदाई जैसे ही हैं, छोटे मोटे। तो क्या आपका फिर उद्धार अवतार का उद्देश्य कैसा पूर्ण होगा? आपको नहीं मारना है इनको, कृपा करनी है उनके ऊपर। महाप्रभु का वो आवेश देख कर ना वो दोनों डर गए, पूरे नशा पूरी उतर गई खार करके उनकी, और चरणों में गिर गए वो। लेकिन जिसने मारा था ना उसको महाप्रभु ने माफ नहीं किया, तो मदाई था ना, मेरे ख्याल से मदाई ने मारा था, और जगाई फिर भी उसको रोक रहा था, तो भगवान ने अपने जगाई पर कृपा कर दिया। बोलते महाप्रभु जी माफ कर दो, तो उन्होंने कहा कि देखो आपको एक वादा करना होगा, आप दोबारा ये पाप नहीं करेंगे। तो उन्होंने वादा कर दिया और मदाई को बोला तो नित्यानंद प्रभु की माफी मांगो पहले। फिर वो महाप्रभु के चरणों में गिरा, नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिरा। नित्यानंद प्रभु तो दयालु थे ही, उन्होंने तो दया के लिए तो महाप्रभु के चरण पकड़े थे। बाद में दोनों को गले लगाया, और दोनों को गले लगाया ना तो महाप्रभु का शरीर पूरा स्वर्णमयी शरीर, तेजस्वी शरीर काला हो गया पूरा, इतने पाप थे उनके। यमराज उसका रिकॉर्ड रख रख के थक गए थे पूरे यमदूत सारे, तो शरीर पूरा काला हो गया। और तत्क्षण जगाई और मदाई तत्क्षण प्रेम में आवेश में पागल से होकर नृत्य करने लगे, भगवान का नाम लेकर आंखों के आंसू नयनम गलत अश्रु, हम लोग पुकार रहे हैं कब आंखों में आंसू आएंगे। जगाई मदाई इतने पाप करने के पश्चात महाप्रभु का आलिंगन के वजह से जो प्रेम महाप्रभु ने उनको तत्क्षण दिया, उस प्रेम का अनुभव करने लगे, प्रेम के आवेश में रोने लगे। फिर महाप्रभु ने बोला अभी देखो क्या होता है। महाप्रभु ने कीर्तन किया, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब धूमधाम से कीर्तन किया तो क्या हुआ, धीरे धीरे महाप्रभु जी का शरीर जो है वो कालापन चला गया और स्वर्ण कांति वापस प्रकट हो गई, और फिर दोबारा पूरा शरीर जो काले रंग से मुक्त हो गया, पूर्ण तेजस्वी हो गया। तब महाप्रभु जी ने एक बहुत बड़ा घोषणा किया, उस समय बहुत बड़ी घोषणा की। क्या कहा उन्होंने, ये जो मैंने पाप जगाई मदाई के स्वीकार किए थे ना एक वादे पर कि दोबारा नहीं करेंगे, इसलिए मैंने स्वीकार किया। इसका मतलब क्या होता है, हमें भी हमारे पापों से मुक्ति मिलेगी अगर हम दो काम करेंगे, एक वो सारे पाप कर्म दोबारा नहीं करेंगे और भगवान का नाम लेंगे। ऐसा नहीं कि आप भगवान का नाम नहीं लेंगे लेकिन खाली छोड़ देंगे, मुक्त नहीं होंगे। भगवान का नाम लेकर अगर पुराने वाले पाप दोबारा नहीं करेंगे आप गलतियां, तो भगवान आपको मुक्त कर देंगे, पाप मुक्त कर देंगे, एक बात। दूसरी बात कहते हैं, ये सारे जो मैंने पाप स्वीकार किए थे इनके, ये अभी अवकाश में जाकर विराजमान है, और जो भी भविष्य में जाकर वैष्णव अपराध करेगा ये जगाई बदाई के पाप उसके अंदर प्रवेश करेंगे। ये बहुत डेंजरस घोषणा किया उन्होंने, हम लोगों के लिए चेतावनी है ये कि कितने भगवान को अपने भक्त प्रिय है, इसका एक प्रमाण है ये। वो क्या बोल रहे हैं, आपको पर अनंत कृपा कर सकता हूं मैं, आपको पापों से मुक्ति दिला सकता हूं, लेकिन अगर मेरे प्रिय भक्तों का आप अपराध करेंगे तो ये पाप जो मैंने जो रखने के लिए यमदूत थक गए थे, जो अवकाश में अभी खड़े हैं, वो पाप आपके अंदर प्रवेश करेंगे, इसलिए हमको बचना चाहिए वैष्णव अपराध से। तो जगाई मदाई को उद्धार करके, ये कौन थे, यही हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु थे, यही रावण कुंभकर्ण थे,
यही शिशुपाल दंत वक्र थे, यही चौथी बार आए, तीन बार तो शाप था, तीन बार तो उनको भगवान ने उद्धार कर दिया, उनका मार कर उद्धार किया, लेकिन चौथी बार केवल उद्धार नहीं प्रेम की प्राप्ति के लिए चौथी बार आए वो। और वैसे जघन्य पाप किए उन्होंने, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको इस बार मारा नहीं, उनके अंदर की पाप की प्रवृत्ति और पाप दोनों जलाकर भस्म कर दिए, नष्ट कर दिए, और उनके हृदय में पूरा प्रेम, सात्विक प्रेम जो है, शुद्ध सात्विक प्रेम वो भर दिया, और इस तरह से उनका उन्होंने बहुत प्रेम से उद्धार किया। ये भी लीला चैतन्य महाप्रभु के पहले 24 साल के अंदर हुई है। एनीवेज चांद काजी के समाधि पर ये याद आया, क्योंकि जैसे चांद काजी इतना पापी व्यक्ति था, उसका भी चैतन्य महाप्रभु ने हृदय परिवर्तन किया, उसको भक्त बनाया, उसी प्रकार से जगाई मदाई को भी चैतन्य महाप्रभु ने भक्त बनाया। उसके आगे जाकर जगाई मदाई जगदानंद और माधवानंद गोस्वामी बने, और माधवानंद गोस्वामी की वहां पर समाधि भी है एक जगह पर, वहां पर वो उन्होंने ना लोग उनको पत्थर मारा करते थे और उसको स्वीकार करते थे। उनको महाप्रभु ने कहा था कि तुम्हारे पिछली यादें लोगों को है, तुमने लोगों को इतना कष्ट दिया था, जाओ गंगा जी किनारे लोगों की सेवा करो, संत लोग वहां पर स्नान करने आते हैं, उनके कपड़े धो लो, उनके कपड़े रख लो, संभालो, धोखे दे दो, घड़ी करके दे दो उनको, और लोग उनसे सेवा लेते थे और उनको पत्थर भी मारते थे पुराने अपराधों की याद करते हुए। महाप्रभु ने कहा उसको सहन करो आप, क्योंकि आपने उनको इतना कष्ट दिया है, वो लोग इतना कष्ट प्राप्त कर चुके हैं आपसे। इस प्रकार से बड़ा संत जीवन बिताया उन्होंने इस लीला के बाद में, और बड़ा अपराधी अपने को समझा कि हम लोग इतने पतित और इतने घिलौने लोग हैं। तो माधवानंद गोस्वामी के समाधि में एक बार हमारे गुरु जी बैठे हुए थे, बहुत देर तक यात्रा जाने के बाद अकेले बैठकर तो कुछ प्रार्थना कर रहे थे, तो मैं उनके साथ में था। मैंने उनको पूछा, महाराज जी उनकी प्रार्थना समाप्त हो गई, उठकर चलने लगे। मैंने कहा महाराज जी आप क्या पूछ रहे थे वहां पर, क्या बात कर रहे थे, क्या प्रार्थना कर रहे थे? तो उन्होंने कहा कि अगर मदाई को भी भगवान तार सकते हैं, मदाई और जगाई तो इतने पापी थे ना, तो कहते मदाई जैसे व्यक्ति को भी भगवान अगर तार सकते हैं तो हमें जरूर आशा है कि हमको भी तारेंगे। ये बहुत विनम्र बात महाराज जी ने बताई। तो फिर हमने भी जाकर बैठ के वहां पर प्रार्थना किया, अगर मदाई को भी आप तार सकते हैं तो हमें भी तार सकते हैं, हम भी वी आर नॉट द बेस्ट ऑफ एनीथिंग। हाँ हम लोग पुण्यवान में भी बेस्ट नहीं है और हम सबसे बेस्ट पापी भी नहीं है, हम लोग बेस्ट कुछ भी नहीं है। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे यू आर बेस्ट नथिंग। तो अगर जगाई मदाई का उद्धार हो सकता है तो हमारा भी उद्धार हो सकता है, ऐसी आशा महाप्रभु चैतन्य हमको दिलाते हैं। तो आइए हम चांद काजी के समाधि पर अपना दंडवत करते हैं, सर मत्था टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ऐसा हमारे अंदर भी इनके भी इनसे भी अधिक पाप है हमने किए हुए हैं, लेकिन आप महाप्रभु की शरण में जाने के बाद तो उद्धार ही उद्धार होना है। इसको प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। फिर सीमांत द्वीप में और एक सुंदर स्थान है जो है नीलंबर चक्रवर्ती का घर। इसमें ही सची माता का जन्म हुआ था। सची माता नीलंबर चक्रवर्ती की पुत्री है, और नीलंबर चक्रवर्ती कहते हैं कि वृषभानु महाराज से, शायद वृषभानु महाराज मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। एनीवेज तो नीलंबर चक्रवर्ती बड़े ज्योतिषी थे, और इन्होंने ही महाप्रभु के विषय में ये बताया था कि ये बहुत अच्छे समय का इंतजार कर रहे हैं, और उसके बाद में उनकी कुंडली बनाई थी, उनका जाति संस्कार किया था, उसको बताया था कि ये आगे जाकर इसका नाम विश्वंबर होगा, विश्व की रक्षा करने वाले होंगे, जगत का उद्धार करने वाले नाथ है ये, कई जन्म ले चुके हैं जगत का उद्धार करने के लिए, ऐसे इनडायरेक्ट सब बताते हैं इनका महात्म्य। तो ये नीलंबर चक्रवर्ती महाराज हैं, इनके घर का नाम है श्रीपट। तो ये श्रीपट घर को हम वंदन करते हैं, नीलंबर चक्रवर्ती जी को प्रणाम करते हैं। सची माता जैसे जगन माता के पिताजी हैं आप, तो आप हम पर कृपा कीजिए, भक्ति का दान दीजिए, ये याचना करके आगे बढ़ते हैं। और इस सीमांत द्वीप में एक और सुंदर भी लीला हुई है, निम्बार्काचार्य को यहाँ पर चार कुमारों ने कृपा की है। जानते हैं कि ये चार कुमार जो है ना वो ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र नारद जी हैं, मानस पुत्र, यानी कि नारद जी जैसे कहते हैं ब्रह्मा जी का मन ही है वो स्वयं। और नारद जी जन्म लेते ही पूरे विरक्त हो गए, सब जगह प्रचार करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नारद मुनि के बाद में चार कुमारों का जन्म दिया ब्रह्मा जी ने, और चार कुमारों को नारद मुनि ने प्रचार किया, अरे आप संसार में मत फंसो, ये प्रजनन का काम जो है, पुनरुत्पादन का काम है, प्रजापति होने का काम है, इसमें मत पड़ो आप,
ये तो पूरा माया का जाल है। तो ये उनकी बात सुनकर चार कुमार जो थे ना वो बड़े प्रभावित हो गए और संन्यास जीवन को अपना दिया। और इतने बड़े वो तपस्वी थे, वो जानते थे कि ये विश्व में अगर हमारा शरीर जवान हो जाएगा ना, यौवन अवस्था में आएगा, तो उसमें काम वासना निर्माण हो जाएगी। फिर काम वासना निर्माण होगी तो फिर स्त्री चाहिए पत्नी के रूप में, फिर पत्नी आएगी, फिर काम वासना का उपभोग करेंगे तो फिर पुत्र होंगे, फिर पुत्र होंगे तो परिवार होगा, परिवार होगा तो धन चाहिए। ये बड़ा जाल है, इसमें हमको नहीं फंसना है। तो उन्होंने क्या कि अपने योग बल से अपने शरीर को 4 साल का ही रखा, ओनली 4 ईयर्स। करोड़ों वर्ष के वृद्ध साधु थे वो, करोड़ों वर्ष वृद्ध साधु थे, लेकिन अपने शरीर को देखो, देख रहा है ना, 4 साल का रखा था उन्होंने। तो निम्बार्काचार्य जो है वो बड़े आचार्य हैं, 4 संप्रदाय में से एक आचार्य संप्रदाय निम्बार्का संप्रदाय है, इसको हम कुमार संप्रदाय भी कहते हैं, क्योंकि कुमारों से चार कुमार जो थे उन्होंने सनत कुमार संहिता का निर्माण किया था, उसमें पूरे भक्ति के तत्वों का वर्णन किया है। तो सनत कुमार संहिता लेकर वो इंतजार कर रहे थे कि निम्बार्क आएंगे। उनका एक नाम निम्बादित्य भी है, उन्होंने पेड़ से सूर्य को प्रकट किया था एक बार। उनका एक्चुअली एक स्थान उधर वृंदावन में भी है, नीम गांव, जहां पर निम्बार्काचार्य ने तपस्या किया था और पेड़ में से सूरज को प्रकट किया था, बहुत विशेष स्थान है वो। लेकिन इस द्वीप में चार कुमारों को निम्बार्काचार्य मिले, उनके चरणों का प्रक्षालन किया, चरण धोए, उनकी कृपा प्राप्त की, तब उन्होंने उनको वो जो सनत कुमार संहिता है ना वो प्रदान कर दी। उन्होंने कहा कि ये सनत कुमार संहिता आप ले लो और इसके द्वारा जो लिखा गया उसको प्रचार करो। तो निम्बार्काचार्य ने वो सनत कुमार संहिता का अध्ययन किया और उनके उनमें दिए हुए तत्वों का पूरे विश्व में प्रचार किया। तो वो निम्बार्क संप्रदाय है, राधा रानी का तत्व को विशेष महत्व है इनके संप्रदाय में। तो आइए हम निम्बार्काचार्य को यहाँ पर प्रणाम करते हैं, चार कुमारों को प्रणाम करते हैं, विरक्ति का आशीर्वाद मांगते हैं, विश्व के प्रति जो आसक्तियाँ हमारे मन में है उसमें नष्ट होने की प्रार्थना करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। यह बेलपुकुर यहाँ पर बहुत सुंदर स्थान है, ये देखते हैं इसकी महिमा क्या है। ये बेलपुकुर में शिवजी प्रकट हुए थे और यहाँ पर शिवजी का बेल पत्र से पूजन किया गया था। तो यहाँ पर एक जलाशय भी है, इसका नाम पुकुर यानी जलाशय, तालाब की तरह है, और यहाँ पर बेल से शिवजी का पूजन किया गया था। तो इस स्थान को बेलपुकुर बुलाते हैं या बिलो पक्ष भी कहते हैं। आइए इस सुंदर वट वृक्ष को जो शिवजी का प्रतीक है और बेलपुकुर को प्रणाम करके हम आगे चलते हैं। तो अभी ये जो सीमांत द्वीप का दर्शन है यहाँ पर समाप्त होता है। अभी हम आगे बढ़कर वापस जाएंगे गोद्रुमा द्वीप के लिए। हाँ, तो गोद्रुमा द्वीप का दर्शन करेंगे जाके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आपको दर्शन कराते हैं एक सेकंड के अंदर। अभी हम सीमांत द्वीप से रुद्रद्वीप आते हैं और ये रुद्रद्वीप जो है बहुत सुंदर स्थान है और विशेष रूप से कहा जाए तो ये रुद्रद्वीप जो है इसके अंदर हमारा इस्कॉन का मंदिर है। पहले हमको लगता था कि रुद्रद्वीप जो है वो हमारा इस्कॉन का मंदिर जो है वो अनंतर द्वीप में है, लेकिन ये बात अभी अभी स्पष्ट हुई है पिछले वाली यात्रा में। तो ये विशेष रुद्रद्वीप है, देखिए आपको दर्शन हो रहा है वृषभानु प्रभु, अंगूठा दिखा सकते हैं, आर यू एबल टू सी? यस, थैंक यू। तो रुद्रद्वीप का महिमा ऐसा है कि रुद्रद्वीप ये शिवजी का द्वीप है और शिवजी यहाँ पर चिरंतन निवास करते हैं, अपनी लीला भी करते रहते हैं
और शिव जी को सब सर्वोच्च वैष्णव माना गया है। और विशेष बात यह है कि जो चार संप्रदाय हैं उसमें से जो तीन संप्रदाय के जो आचार्य हैं उन तीनों को स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने इसी द्वीप पर आदेश दिए हैं। एक को शिवजी ने आदेश दिया है, वो है विष्णु स्वामी, जिनके द्वारा रुद्र संप्रदाय आरंभ हुआ है। लेकिन बाकी जो श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय और तीसरा संप्रदाय जो है ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय, इनके आचार्यों को इसी द्वीप पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना आदेश दिया हुआ है। और देखिए दुर्वासा मुनि ने यहां पर आकर योग का अभ्यास छोड़ दिया। पहले दुर्वासा मुनि तो बड़े सिद्ध आत्मा है ना, योगी आत्मा है, लेकिन यहां पर आने के पश्चात दुर्वासा मुनि ने योग का प्रैक्टिस छोड़ दिया और यहीं पर आश्रम बनाकर गौरांग महाप्रभु के चरणों के पूजन करने में लग गए। अनावक्र दत्तात्रेय पानमुखा शिव, इन सब लोगों ने मिलकर यहाँ पर अपना जो अपना तरीका था भक्ति का वो सब छोड़ दिया और गौरांग के ध्यान करने में अपने आप को मग्न कर दिया, क्योंकि सब लोग ये पहले मायावादी थे। तो इस प्रकार से ये रुद्र द्वीप है। इसमें देखिए आप आगे जाएंगे तो ये आपको दिखाई पड़ रहा है पूरा स्थान है ये, और उसके आगे जो छोटा मंदिर दिखाई पड़ रहा है वहां पर नील लोहित, जैसे हम प्रसाद ले रहे हैं उसके आगे ये नील लोहित शिव है। ये 11 शिव है ना, उसमें से एक प्रधान शिव है नील लोहित, यहाँ पर प्रकट हुए हैं और वो ये शिवलिंग के रूप में यहाँ पर विराजमान है। 11 शिव जी जो रुद्र हैं उसमें से एक प्रधान शिव जी हैं नील लोहित शिव, महादेव जी यहाँ पर प्रकट हुए हैं। तो यहाँ पर वल्लभाचार्य जी आए थे, और वल्लभाचार्य नहीं, वहां पर विष्णु स्वामी आए थे, और विष्णु स्वामी अपने आप ही पहले से ही गुरु थे, बहुत शिष्य थे अपने अनुयायियों को लेकर यहाँ पर आए थे, और उन्होंने रुद्रद्वीप पर आकर बहुत धुआंधार कीर्तन किया, भजन किया, प्रवचन किया। तो शिव जी नील लोहित शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने विष्णु स्वामी को दर्शन दिया और दर्शन देकर बहुत आशीर्वाद दिए। तो विष्णु स्वामी ने उनको कहा, शिव जी ने, कि क्या चाहते हो आप, आशीर्वाद मांगो मुझसे, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ आपसे, आपका भजन कीर्तन भाव देखकर बड़ा प्रसन्न हो गया। तो विष्णु स्वामी कहते हैं कि मुझे ना एक अच्छा संप्रदाय बनाना है जो कृष्ण तक पहुंचे, तो उसका मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो शिव जी बहुत प्रसन्न होने लगे और उन्होंने प्रसन्न होकर नृत्य करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तुमने इतनी सुंदर बात की है, एक संप्रदाय की मांग की है, चलो तुम्हारे संप्रदाय का प्रमुख मैं ही बनता हूँ, मेरी तरफ से आप कृष्ण से बंध जाओगे, संबंध आपका हो जाएगा, मैं ही आपके संप्रदाय का नाम दूंगा मेरे नाम, और आपका संप्रदाय रुद्र संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध होगा और आप उसके प्रमुख आचार्य होंगे, और मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि अगले जन्म में आप वल्लभाचार्य के रूप में आओगे। अभी देखो इसके बाद में यहाँ रहकर विष्णु स्वामी ने बहुत भजन किया, इस द्वीप पर रहकर शिव जी के साथ भजन किया, फिर गौरांग महाप्रभु ने दर्शन दिया इनको। ये सत्ययुग की बात है, अभी की बात नहीं है, ये कलयुग में महाप्रभु आए तब की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। तो विष्णु स्वामी को दर्शन दिया गौरांग महाप्रभु ने और उनको आशीर्वाद दिया कि आप कलयुग में वल्लभाचार्य के रूप में जन्म लोगे और फिर आपसे आपका पूरा संप्रदाय जो है वो वहां पर सिद्ध हो जाएगा, वल्लभ भट्ट के रूप में आप जन्म लोगे। तो महाप्रभु जी के आशीर्वाद से उपदेश प्राप्त करके विष्णु स्वामी अपने अगले जन्म में वल्लभाचार्य बने। इस तरह से चारों संप्रदायों का जो आचार्य हैं उनको गौरांग महाप्रभु ने और एक संप्रदाय को शिवजी ने यहीं पर उपदेश किया है। कितनी सुंदर बात है। इसके आगे चले जाएंगे तो देखिए उसी जगह पर जैसा हमने अब आपको दिखाया ना, अभी ये जो आगे है वो शिव जी का मंदिर, लेफ्ट में जाएंगे तो वो राधा माधव जी का मंदिर है, क्या आपको दिखा रहा हूं अभी मैं, देखिए ये राधा माधव जी का मंदिर है। और विशेष बात इसमें क्या है, इसमें विशेष बात यह है कि कृष्ण के बगल में चैतन्य महाप्रभु का मूर्ति है, वो जो गौरांग महाप्रभु की मूर्ति है उसके सामने इस जगह पर नहीं, किसी और जगह पर, अभी कैसे बताएं आपको, 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ भगवान का नाम लेने का प्रण लिया था उन्होंने एकांत में बैठकर, ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक समय पर एक साल में 100 करोड़ नाम लेने का प्रण किया था और वो पूरा भी किया था। कुछ लोग कहते कि उन्होंने अलारनाथ में ये व्रत किया था और वहां पर वो
राधा कुंड निर्माण किया था, वहां पर वो बेहोश होकर एक बार मिले थे भाव विभोर अवस्था में। तो एक बिलियन यानी 100 करोड़ भगवान का नाम का व्रत पूरा करने के बाद में ठाकुर भक्ति सिद्धांत जी ने अपना प्रचार कार्य आरंभ किया था, और जिस प्रकार से धुआंधार तरीके से उन्होंने भारत भर में प्रचार किया है, हर जगह पर गौड़िया मठ स्थापन किया उन्होंने, भक्ति का बहुत ही विशेष रूप से मायावाद का उन्होंने खंडन किया और भगवान के व्यक्तित्व को स्थापन किया और भगवान के शुद्ध भक्ति मार्ग को प्रचार किया। तो यही वो विग्रह है जो आपके सामने है। इसके सामने बैठकर ठाकुर भक्ति सिद्धांत जी ने 100 करोड़ भगवान के नाम 100 करोड़ भगवान के नाम जपे थे। फिर उसके बाद ये विग्रह उन्होंने यहाँ पर जब ये गौड़िया मठ स्थापन किया तो उनको लाकर दिए। फिर राधा माधव जी के साथ में ये विग्रह अभी भी स्थापित हैं, जिनके सामने बैठकर ठाकुर जी ने 100 करोड़ भगवान के नाम लिए थे। देखिए, दर्शन कीजिए, और यहाँ से आपको जरूर प्रार्थना करना है भगवान की। हम तो 16 माला करने में भी रोते हैं, 16 माला करने में हमको नींद आती है, कथा सुनने में भी नींद आती रहती है। तो हम उनको प्रार्थना करते हैं कि हमें भगवान के नाम में जप करने में रुचि दीजिए, कृपा करके रुचि दीजिए। 100 करोड़ नाम उन्होंने लिए, कैसे लिए होंगे, कितना समय लगा होगा, दिन रात बिना खाए पिए सोए उन्होंने ऐसा व्रत किया होगा, कितना दृढ़ निश्चय होगा भक्ति सिद्धांत जी महाराज का। तो हम गौरांग महापुरुष से प्रार्थना करते हैं कि हम छोटा मोटा व्रत ले लेते हैं कार्तिक में, अधिक मास में, तो उसको करने में कितनी दिक्कत होती है, हमको कितना कष्ट होता है, लेकिन आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमें आपके नाम के जप में रुचि दीजिए। चाहे जितना भी नाम, जैसा भूखा आदमी कितना भी खाना खाए तो उसको लगता है कि और खाएं, वैसे हमको भगवान का नाम जप में अनंत रुचि उत्पन्न हो, अनंत स्वाद उत्पन्न हो, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। और आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर एक विशेष जगह है रुद्रद्वीप में, वो कौन सी जगह है, इसका नाम है निदोय घाट। निदोय का मतलब निर्दय। इस घाट को धामवासी, नवद्वीपवासी निर्दय घाट कहते हैं। कारण क्या उसका, क्योंकि इसी घाट से 24 साल के उम्र में मकर संक्रांति के दिन रात को महाप्रभु चैतन्य गंगा जी में छलांग लगाए थे। यहां से तैरते हुए वो कटक कटवा में गए थे और संन्यास ग्रहण किया था। पूरे नवद्वीप वासियों को विरह के सागर में डुबोकर, दुख के सागर में डुबोकर, उनको विरह का दुख देकर, सबको छोड़कर अच्छी अपनी सुंदर सर्वगुण संपन्न पत्नी और जगन माता सची माता को भी त्याग के उन्होंने जगत के उद्धार करने के लिए यहाँ पर नवद्वीप वासियों को कष्ट देकर यहाँ से निकले थे। तो इस घाट को भी उन्होंने निर्दय घाट कहा। अरे घाट, तो इतना निर्दय कैसे हो गया, तुमने महाप्रभु को जाने कैसे दिया। हाँ, तो इस घाट को निर्दय घाट कहा गया है। तो जहाँ पर लोग उधर आचमन कर रहे हैं, वहीं से चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास की भावना से लेकर घर छोड़कर वो चले गए थे। तो ये संन्यास के बारे में थोड़ा सा कहना जरूरी है, क्योंकि हमने उधर दर्शन किया था योगपीठ का। तो योगपीठ में होते हुए वो बीच में पिताजी गुजर गए उनके, तो पिताजी का श्राद्ध करने गए, उधर ईश्वरपुरी का मुलाकात हुई, दीक्षा प्राप्त हुई। यहाँ पर जब श्राद्ध करने गए तो उनका विवाह हुआ था लक्ष्मी प्रिया से, तो वो विरह में व्याकुल होकर चली गई वो। तो वो जब लौट के आए तो पत्नी भी चली गई थी, तो उन्होंने फिर माताजी के आदेश के अनुसार दूसरा विवाह किया विष्णु प्रिया के साथ। तो विष्णु प्रिया बहुत छोटी सी लड़की थी जब विवाह हुआ महाप्रभु के साथ। और फिर महाप्रभु ने निर्णय लिया 24 साल की उम्र में, जब विष्णु प्रिया 16 साल की थी केवल, कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ वैवाहिक जीवन में, बहुत कम समय। लेकिन 24 साल के जब महाप्रभु जी हुए और संन्यास लेने को निकले, उस समय तो वो केवल 16 साल की थी। तो रात को उनका संभाषण हो रहा था, माता जी को पता चला कि मेरा पुत्र जाने वाला है, और सची माता को भी पता चला कि हमारे पति अभी छोड़ के जाने वाले हैं। लेकिन इतनी पतिव्रता थी वो, इतनी पतिव्रता थी, उन्होंने कहा कि हे नाथ, हे स्वामी, अगर आपकी इच्छा है जगत का उद्धार करने के लिए और उसके लिए केवल मुझे छोड़ना होगा आपको, तो कोई बात नहीं, जैसे आपकी इच्छा हो वही मेरी इच्छा है, आपकी इच्छा के साथ में रहना, आपकी इच्छा को सहयोग देना ही मेरा कर्तव्य है, और उसमें अगर आपको आनंद होता है, उसमें आपको संतुष्टि प्राप्त होती है, तो मैं इस तरह से रहने के लिए तैयार हूँ और आप अपना मिशन पूरा कर सकते हैं। तो उस समय विष्णु प्रिया के लिए हमारे गौरांग महाप्रभु जी ने एक तुरंत विग्रह प्रकट कर दिया, अपना खुद का विग्रह प्रकट करके दिया, जिसका नाम है धामेश्वर गौरांगा। और वो विग्रह देकर अपनी पादुकाएं भी दी उनको और कहा कि
इन पादुकाओं के और इस विग्रह के रूप में मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, और आप जो भी मुझे अर्पण करोगे वो ग्रहण करूंगा। जहां भी विश्व में रहूंगा इस विग्रह के रूप में आकर आपके दिए हुए भोग को मैं ग्रहण करूंगा, और इन पादुका के रूप में भी आपके साथ में रहूंगा। तो फिर उसके बाद में रात को अपनी माता का भी आशीर्वाद लेकर, माता बहुत रो रही थी उस समय, बीच रात में अपने दरवाजे पर खड़े होकर रो रही है, हे पुत्र क्यों जा रहे हो, गृहस्थी में रहकर भी तुम ये कार्य कर सकते हो, अगर प्रचार ही करना है, लोगों का उद्धार करना है, तो गृहस्थी में रहकर भी ये कार्य कर सकते हो। लेकिन फिर भी महाप्रभु जी जगत के कल्याण के लिए अपनी सुंदर पत्नी और अपनी वात्सल्यमयी माता का भी त्याग करके चले जाते हैं। फिर ईशान ठाकुर और बंसी बदन ठाकुर, दो उनके असिस्टेंट थे वहां पर, एक विधवा माता और एक जिनका पति संन्यास ले चुका है ऐसी माता, दोनों की सेवा में ईशान ठाकुर और भगवान के बंसी के अवतार बंसी बदन ठाकुर ये वहां पर थे। और बंसी बदन ठाकुर कविता लिखते हैं, ये भी कथा उस घर की है जिस घर में चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मिश्रा सब रहा करते थे। बंसी बदन ठाकुर लिखते हैं कि मैं क्यों जी रहा हूं, इनका विरह का दुख मुझे देखा नहीं जा रहा है, क्यों हमें जिंदा रखा है अपने भगवान, कि हमको असह्य जैसा इनका इनकी वेदना विरह की हमको सह नहीं हो रही है। ऐसी कविताएं बंसीवदन ठाकुर ने लिखी है सच्ची माता, और खास करके विष्णुप्रिया का जो मौन मौन कष्ट था, जो उन्होंने कभी उसके बारे में कुछ वाच्यता नहीं की, विष्णुप्रिया के हृदय का मौन कष्ट जो है वो सब ईशान ठाकुर और बंसीवदन ठाकुर देखा करते थे। फिर उसके बाद में नित्यानंद प्रभु के कहने के अनुसार जब वो समय आया कि गंगा जी की बाढ़ आई, तो उसके पहले ही उसको जानकर वो धामेश्वर गौरांग की मूर्ति और पादुका लेकर ईशान ठाकुर बंसीवदन ठाकुर और विष्णुप्रिया, क्योंकि उसके उस समय तो सची माता भी चल बसी तो अकेली विष्णुप्रिया बची, तो ये तीनों लोग फिर कोलद्वीप गए, वहां पर उन्होंने धामेश्वर गौरांग को स्थापन किया, पादुका भी वहां रखी, इसलिए धामेश्वर गौरांग का विग्रह जो है वो अभी वो कोलद्वीप में है और चरण कमल भी वहां पर ही है। फिर उसके पश्चात में वापस लौट के नहीं आए, उधर ही अभी भी उनका मंदिर है। तो इस तरह से निधोय घाट के विषय में मुझे याद आई कि महाप्रभु जी ने संन्यास लिया, आखिर में कोलवेज श्रीधर के हाथ का जो कद्दू था उसका खीर पाया, और फिर इसी जगह से उन्होंने प्रयाण किया और कटवा में जाकर फिर संन्यास लिया, बाल त्याग दिए और सर मुंडवा कर संन्यास ग्रहण किया केशव भारती महाराज से, और फिर वहां से आनंद में विभोर होकर वो जगन्नाथपुरी चले गए। तो मैं यही कह रहा था आपको कि रुद्रद्वीप में ही हमारा इस्कॉन का मंदिर है। देखिए ये हमारा अद्भुत मंदिर की प्रतिकृति है, अभी बनना बाकी है, ये ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, दो साल में अभी ये प्रकट हो जाएगा। इसकी कहानी ऐसे है कि नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु के अंतर्धान होने के पश्चात नित्यानंद प्रभु ने ये भविष्यवाणी की थी कि आगे जाकर नवद्वीप में एक अद्भुत मंदिर बनेगा, जिस मंदिर से पूरे विश्व में भगवान के नाम का प्रचार होगा। पृथ्वी ते आचे सर्व नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइ मरु नाम। चैतन्य महाप्रभु ने जो ये भविष्यवाणी की है, ये भविष्यवाणी ऐसे मंदिर से साकार हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी, ऐसा मंदिर होगा। तो यही मंदिर जो है जिसको नित्यानंद प्रभु ने भविष्यवाणी की थी, अभी मंदिर प्रकट हो रहा है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है वो, हमारे हरे कृष्णा संस्था के भूमि पर, सैकड़ों एकड़ की जमीन है हमारी, उसमें बीच में ये मंदिर अभी निर्माण हो रहा है। विश्व का सबसे ऊंचा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है ये, जिसमें एक एकड़ का मंदिर का गर्भगृह है, एक एकड़ 44,000 स्क्वायर फीट, जिसमें 10,000 भक्त एक साथ खड़े होकर नाच सकते हैं और कीर्तन कर सकते हैं। बैठ करेंगे एक पे एक पास पास तो और ज्यादा लोग बैठ सकते, लेकिन नृत्य करने के लिए जगह चाहिए ना, हाथ पांव हिलाने के लिए, तो 10,000 लोग एक ही साथ उस जगह पर बैठकर नृत्य कर सकते हैं, ऐसा इस मंदिर का हॉल है। उसमें कहते हैं कि 35 विग्रह होंगे, 10 तो कृष्ण भगवान राधा रानी और अष्ट सखी हो गए, फिर 5 पंचतत्व के हो गए, फिर जितने आचार्य हैं प्रभुपाद से लेकर रूप गोस्वामी तक, वो सारे आचार्यों के विग्रह होंगे, फिर प्रभुपाद जी का विग्रह होगा, फिर नरसिंह भगवान का विग्रह होगा, प्रहलाद जी का विग्रह होगा, ऐसे प्रकार के सब मिलकर 35 विग्रह होंगे वहां पर, और हर एक विग्रह जो है 15-15 फुट के हैं। तो सब अभी तैयार हो गए हैं, अभी उसमें एक विश्व की सबसे बड़ी
क्या कहते हैं उसको, ग्रहमाला बनाई जाएगी, जिसको कहते हैं वैदिक प्लैनेटोरियम। तो मंदिर का नाम क्या है, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लैनेटोरियम, जिसमें जो विश्व का निर्माण जो किया भगवान ने सुंदर ग्रहमाला से, उसका प्रतिकृति उस घुमट में बनेगा और वो चलायमान होगा, ऑटोमेटिक रूप से चलेगा वो। और जैसे वास्तविक रूप से साइंटिफिक तरीके से, शास्त्रोक्त तरीके से सारे ग्रहमालाएं घूमते हैं अवकाश में, उसी प्रकार से वो सब घूमते रहेगा, ऐसा निर्माण किया जाएगा इसके कलश के अंदर। देखिए बहुत सुंदर ये विग्रह है, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लैनेटोरियम। गंगा जी के किनारे हैं ये, सामने प्रभुपाद जी की समाधि है और पीछे आप देखेंगे दो जो गुलाबी रंग की मंदिर दिख रहे हैं, वो बिल्डिंग में अभी मंदिर बने हुए हैं, अभी और लोगों का निवास स्थान भी है, आगे सब जगह प्रकार के मंदिरों की बिल्डिंग बनी हुई है और आगे गंगा जी हैं जो आपको समुद्र की तरह दिखाई पड़ रही है। ये प्रभुपाद जी की समाधि है, लेकिन ये समाधि पुष्प समाधि है। प्रभुपाद जी का शरीर जो है वो वृंदावन में स्थित किया गया है, वहाँ की मूल समाधि में, वहां से पुष्प लाकर यहाँ पर प्रभुपाद जी की पुष्प समाधि भव्य और दिव्य प्रभुपाद घाट पर स्थापन की गई है। तो ये प्रभुपाद जी की समाधि है और ये इनके दोनों के उल्लेख किए बिना इस्कॉन मायापुर का वर्णन पूर्ण नहीं होता है। वैसे तो इस्कॉन मायापुर का गौरव बहुत बहुत दिव्य है, लेकिन दो ये दो भाई जो हैं जननिवास प्रभु और पंकजांगरी प्रभु, जननिवास प्रभु और पंकजांगरी प्रभु दोनों ब्रिटिश हैं जन्म से, और बहुत छोटी उम्र में ब्रह्मचारी बनकर आए थे नवद्वीप में, और कहते हैं कि 30 साल ये एक जगह से बाहर नहीं निकले, मायापुर में ही रहे और 30 साल उन्होंने नरसिंह भगवान, पंचतत्व तो बाद में आए, लेकिन राधा माधव अष्ट सखियां इन सब की 30 साल उन्होंने सेवा की। और आज तो 30 साल होकर भी बहुत ज्यादा साल हो गया, अभी कम से कम 40 साल हो गए। वो प्रभुपाद जी कहते थे कि रोज जो 10 साल तक मंगल आरती अटेंड करेगा ना, उसको वो जो भी कहेगा वो सच हो जाएगा। तो इन्होंने तो 30 साल एक जगह पर उस गांव से, ब्रिटिश जैसे देश से आकर एक गांव में बसे, जो 120 किलोमीटर कलकत्ता से दूर देहात में है, ऐसे गांव में इतनी कष्ट की अवस्थाएं थी, उसमें रहकर उन्होंने भगवान के विग्रहों की सर्वोत्तम सेवा की है। और आज की तारीख में पूर्ण इस्कॉन के विश्व में जननिवास प्रभु और पंकजांगरी प्रभु जो हैं, ये आदर्श हैं भगवान के विग्रहों की पूजा के विषय में, अथॉरिटी हैं, ये जो कहेंगे वो ब्रह्म वाक्य हैं। इनको भगवान के विग्रहों की पूजा में इतना गहरा ज्ञान है, कुछ भी शंका होगी, शालिग्राम की पूजा करनी है, गिरिराज की शिला की पूजा करनी है, नरसिंह भगवान की पूजा करनी है, गौर निधाय की पूजा करनी है, राधा कृष्ण की पूजा करनी है, जिस जिस विग्रह का स्थापना करनी है, सब कुछ गहरा ज्ञान इन दोनों को है। और आज वो स्वयं, उनकी उम्र 70 साल की हो गई है। तो ऐसे दो महान जीव, महान संत, जो शरीर विदेशी है उनका, लेकिन उनकी आत्मा पूर्णता से कृष्ण भावना में मग्न है और प्रेम सागर में डूबी हुई है। तो हम इन दोनों महान महानुभावों को प्रणाम करते हैं, साथ साथ में हमारे परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज, जो है तो अमेरिकन, लेकिन बांग्ला भाषा इतनी सुंदर बोलते हैं, जैसे बांग्ला बोलने आरंभ करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, अगर आपको देखेंगे नहीं तो ये कि ये बांग्ला है कि विदेशी है। अगर उनका खाली लेक्चर सुन रहे हैं बांग्ला और उनको देख नहीं रहे आप, तो उनकी बांग्ला सुनकर लगेगा कि कोई बांग्ला व्यक्ति बात कर रहा है। अंग्रेजी बात करेंगे तो अमेरिकन अंग्रेजी बात करेंगे, लेकिन बांग्ला जब बोलेंगे लगेगा कि ये बांग्लाई व्यक्ति है। प्रभुपाद जी ने जय पताका स्वामी के बारे में बताया था, ये चैतन्य महाप्रभु के निकट के पार्षद हैं और चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से इन्होंने पश्चिम जगत में जन्म लिया ताकि वो मुझे मेरे हरे कृष्ण आंदोलन के प्रचार में मदद करें। तो आज वो अमेरिकन नहीं है, वो कई साल पहले जब प्रभुपाद थे तभी वो भारतीय नागरिक बने, भारतीय नागरिक है वो। तो ऐसे दिव्य लीला है इनकी, इन्होंने प्रभुपाद के किताबों का कितना सुंदर बंगाली में प्रचार किया है, पूरे बंगाल में उनके कम से कम 200 नामहट्टा सेंटर्स हैं, 200 गांव-गांव में जाकर उन्होंने हजारों लाखों भक्त बनाए। इनके वैसे शिष्य भी हजारों शिष्य हैं उनके अकेले, और कितने लाखों लोगों को उन्होंने भक्त बनाया, गांव के गांव हरे कृष्ण भक्त बनाए। ऐसे महान विभूति हमारे परम पूज्य भक्ति चारू महाराज भी थे, वो भी स्वयं बांग्ला थे,
जन्म से ही भारतीय बांग्लादेशी थे वो, और उन्होंने मायापुर में बहुत प्रचंड सेवा की है। जितना भी मायापुर में आज आपको डेवलपमेंट दिखाई पड़ रहा है, उनका बहुत सारा श्रेय जो है भक्ति चारू महाराज के प्रयत्न को जाता है। और भक्ति चारू महाराज को प्रभुपाद जी ने एक साथ में ब्राह्मण दीक्षा संन्यास एक ही साथ में दे दिया। और प्रभुपाद जी के जितने भी किताब थे वो सबका बांग्ला अनुवाद परम पूज्य भक्ति चारू महाराज ने किया। अभी अभी कोरोना काल में उनका कोरोना के वजह से देहांत हो गया, पूरा विश्व में इस्कॉन के बहुत बड़ी हानि हुई, लेकिन उनका जो योगदान रहा मायापुर के मंदिर में, मायापुर प्रोजेक्ट को डेवलप करने में, प्रभुपाद की किताबों को बांग्ला भाषा में अनुवादित करने में, प्रचार करने में, और विशेष बात प्रभुपाद के जीवन पर जो उन्होंने एक मालिका बनाई, टीवी सीरियल बनाई अभय चरण, वो उसके माध्यम से प्रभुपाद जी का चरित्र उन्होंने विश्व भर फैलाया, बहुत ही सुंदर कलाकृति उन्होंने बनाई। तो हम परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज के पुण्य स्मृति को वरदान वंदन करते हैं, जय पताका महाराज जी को वंदन करते हैं, जन निवास प्रभु पंकजांग्री प्रभु को वंदन करते हैं, आगे बढ़ते हैं और दर्शन लेते हैं। ये हमारे बड़े प्रसिद्ध नरसिम्हा भगवान हैं। इनकी विशेषता ये है कि जैसे योग पीठ पर एक समय पर मुसलमानों ने आक्रमण किया था और भक्ति सिद्धांत महाराज जी ने वहां पर वराह नरसिंह की मूर्ति स्थापन की थी, उसके बाद में मुसलमानों का कोई आतंक नहीं हुआ, वैसे ही जब विदेशी भक्त लोग हमारे मायापुर के जमीन पर आए, रहने लगे बड़े कष्ट में, विदेशी स्त्रियां भी आ गई, उनके विदेशी सभी भक्तों को देखकर वो बड़े मुसलमान लोग आतंकित हो गए, उन्होंने वहां पर हमला किया था, बहुत बड़ा बुरा हाल बना के रखने की कोशिश की थी उन्होंने, बहुत बड़ा युद्ध भी हुआ था, उसमें गोलियां भी चली थी, बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था। तो उसके बाद में फिर यही विचार निकला कि जैसे भक्ति सिद्धांत जी महाराज ने नरसिंह भगवान को स्थापन किया था, हम भी यहाँ पर नरसिंह भगवान को स्थापन करें। तो फिर बड़ी ही अद्भुत लीला है जिस प्रकार से ये प्रकट हुए, कम से कम 1000 किलो की शिला का ये मूर्ति बनाई गई, लेकिन आज उसका वजन जो है 1000 किलो से ज्यादा है, 1000 किलो का उनकी शिला से वजन मूर्ति बनाई गई थी, लेकिन आज उनका वजन उससे भी ज्यादा है, क्योंकि भगवान पत्थर नहीं है, भगवान व्यक्ति है, और बाजू में उनके प्रहलाद जी की मूर्ति है, तो ये दोनों साथ साथ में विराजमान है, और इनके आने के बाद में फिर कोई आतंक नहीं हुआ, कोई हमला नहीं हुआ। और नरसिंह भगवान के बड़े, जैसे जगन्नाथ जी के चमत्कार राजापुर में है, वैसे बड़े बड़े चमत्कार हमारे नरसिंह भगवान के। एक चमत्कार तो ऐसा है कि एक बार उनकी जो आंखें है ना, लाल लाल आंखें, वो किसी भक्त ने दी थी, तो कोई माता ने कहा कि ये लाल लाल आंखें देखकर बहुत डर लगता है, तो हम जरा उनको पीली आंखें लगाएंगे, थोड़ा सा सौम्य दिखेंगे वो। तो फिर उन्होंने वो पीली आंखें लाके दी, और फिर जननिवास प्रभु पंकजांग्री प्रभु, खास करके पंकजांग्री प्रभु इनके विशेष सेवक रहे हैं, उन्होंने आंखें बदली कर दी। तो आंखें बदली करने के बाद ये माता दर्शन करने गई, तो देखते हैं कैसे दिखते हैं। जब दर्शन करने गई तो उनको आवाज आई, गिव मी माई आईज बैक, क्योंकि वो विदेशी महिला थी, तो अंग्रेजी में आवाज आई बहुत धीर गंभीर, गिव मी माई आईज बैक। तो उनको लगा कौन बोल रहा है, यहाँ वहां से देखा तो कोई दिखाई नहीं पड़ा, अकेली थी वो, कोई था भी नहीं पुजारी, यहाँ वहां देखा, फिर दर्शन करने लगी तो फिर दोबारा आवाज आई, गिव मी माई आईज बैक। तब वो समझ गई कि नरसिंह भगवान खुद चिल्ला रहे हैं, तो भागी, तब मंदिर में गई, मंदिर के पीछे गई डीटी रूम के अंदर, वहां पर जन निवास प्रभु पंकजांग्री प्रभु थे, उन्होंने कहा कि वो भगवान को अपनी राल आके चाहिए तुरंत। तो वो उन्होंने कहा था कि मैंने आपको कहा था पहले ही कि भगवान अपना ये रूप जो है ना वो छोड़ना नहीं चाहेंगे, आपने उनकी आंखें बदल कर अच्छा नहीं किया, तभी मैंने आपको समझाया था, लेकिन आप नहीं माना, जाओ जाओ तुरंत अभी उनकी आंखों को बदली करो। तो फिर उन्होंने उनकी आंखें चेंज की, वो शांत हो गए। एक भक्त थे जो रशिया से आए थे, हाँ रशिया से घर छोड़कर आए थे वो, तो उनकी माता जो ना व्याकुल हो गई थी कि मेरा लड़का छोड़ के गया, लड़का छोड़ के गया। तो वो पूरा टिकट विकट निकाल के वीजा बना के भारत में आई, सब जगह ढूंढा भारत भर में, किधर भी लड़का नहीं मिला। तो किसी ने कहा मायापुर में होगा वो शायद, तो ये मायापुर में आई, जो नरसिंह भगवान के सामने है। किसी ने कहा उनको कि ये भगवान जो है बड़े इच्छा पूर्ण करते हैं, आप उनके सामने इच्छा करेंगे तो पूर्ण करेंगे। तो बड़ी श्रद्धा से रोती रोती वो मैया जो है, रशियन मैया, वो आई और उन्हें कहा कि आप मेरे पुत्र को अगर मुझे मिलवा देंगे तो मैं हरे कृष्णा की भक्त बन जाऊंगी, और रो रो के प्रार्थना की इनके सामने। कुछ अंतर था उनके और माता है, तो अंतर में खड़ी थी,
मूर्ति बहुत दूर थी, पीछे खड़ी थी, रो रो के प्रार्थना कर रही है कि अगर मुझे मेरा बेटा मिल जाए तो मैं आपके भक्त बनूंगी, इस्कॉन की भक्त बनूंगी। इतना वो कह रही थी तो उसके और नरसिंह भगवान के बीच में एक सर आया, ऐसा पुरुष का सर आया, मंडवाया हुआ सर आया, और वही उसका पुत्र था, क्योंकि वो मायापुर में ही ब्रह्मचारी बनकर रह रहा था। तो जैसे ही पुत्र का मिलन हुआ तो आज भी वो मैया जो है वो भक्त बनी हुई है, अपने वादे के अनुसार इस्कॉन की भक्त बनी, पुत्र वहीं रहा, लेकिन पुत्र को मिलकर उसको बहुत प्रसन्नता हुई। ऐसे एक पुस्तिका है नरसिंह भगवान की, उनके पूरे चमत्कारों की पुस्तिका है, क्योंकि वो बहुत जागृत भगवान है। नरसिंह भगवान सबके तारण हरता है, विश्व भर में जो भी संकट आता है तो वहां से नरसिंह भगवान को अभिषेक पूजा की जाती है, उनके नाम से यहाँ पर पूजा अर्पण की जाती है। बड़े सिद्ध ठाकुर जी हैं ये, इनकी लीलाएं अगाध है। तो नरसिंह भगवान को हम प्रणाम करते हैं, तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्य कशिपु तनु भृंगम केशव द्रीत नर हरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। नरसिंहदेव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय। ये है राधा माधव जी, हमारे मेन विग्रह हैं, और ये उनकी अष्ट सखियां हैं, ये कृष्ण की साइड में हैं, ललिता, चंपकलता, चित्रलेखा और तुंगविद्या, और इसके आगे विशाखा, इंदुलेखा, सुदेवी और रंगदेवी और सुदेवी, ऐसे ये आठ सखियां और दो भगवान राधा कृष्ण, यहाँ पर 10 विग्रह विराजमान हैं। और ये पंचतत्व के बीच में श्री गौरांग महाप्रभु अपने दोनों भुजाओं को फैलाकर खड़े हैं, विश्व को अपने कब्जे में, अपने आलिंगन में लेने के लिए आकुल हैं, और सबको भगवान के नाम का भेंट दे रहे हैं, कृष्ण प्रेम को बांट रहे हैं, जो अनार्पित किसी को अर्पण नहीं किया वो सबको बांट रहे हैं। ये पांचों ठाकुर जी यहाँ पर विराजमान हैं। महाप्रभु जी के दाहिने हाथ में नित्यानंद प्रभु हैं, महाप्रभु जी के बाएं हाथ में गदाधर पंडित हैं, गदाधर जी के बाएं हाथ में श्रीवास आचार्य हैं, पंडित हैं, और सबसे राइट में कोने में दाढ़ी वाले जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो अद्वैत आचार्य हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से हमारे प्रभुपाद जी पुष्प समाधि, पंचतत्व, राधा माधव अष्ट सखी, नरसिंह भगवान, इन सबको प्रणाम करते हुए, कृपा याचना करते हुए, अद्भुत मंदिर का इंतजार करते हुए हम प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभी नदी पार करना पड़ेगा हमको, नदी पार करके जाएंगे तो 5 मिनट में पहुंच जाएंगे, बस में जाएंगे तो आधा पौना घंटा लगेगा। अभी हम रोड से जा रहे हैं, हाँ आगे चित्रपट आएगा, एक बोट से भी जा रहे हैं। तो ये वो जलांगी नदी है, क्योंकि जो रुद्रद्वीप है जहां पर हमारा इस्कॉन का मंदिर है, उसके सामने गंगा जी है, उसके लेफ्ट साइड में जलांगी है जो गंगा जी की एक शाखा है। देखिए ये सामने से निकलने वाले जो है, यहाँ पर जो हरियाली बीच में है वहां तक गंगा जी है, उसके आगे जलांगी है, और ये बोट से हम आ रहे हैं। हाँ बोट से तो केवल आगे देखेंगे ना, तो 2 मिनट का बोट राइड है खाली, बस केवल वो जलांगी को पार करेंगे तो गोद्रुम में चले जाएंगे। अभी गोद्रुम, ये थोड़ा सा आपको परिचय करना जरूरी है, इसको कहते हैं बंगाली फीस्ट। हाँ इसमें शुक्तो है, इसमें लापड़ा है, इसमें मिष्टी धोई है, इसमें दाल है, इसमें पोचा क्या कहते हैं उसको, भाजा है, इसमें केले के फूल की सब्जी है, इसमें बहुत सुंदर टिपिकल सरसों के तेल में बनाया हुआ, हाँ पंच उपचार करके बनाया हुआ, 5 चीजें होती है उनकी, पंचकोरम बोलते हैं उसको, उसमें बनाया हुआ पूरा ये स्वादिष्ट भोजन है। ये ब्रिजवासी यानी कि धामवासी, गोद्रुम वासी भक्त जो है उनके घर में हम सब लोग ने मिलकर प्रसाद पाया था, कम से कम आपको नेत्रों से दर्शन तो करा ही सकते हैं। हाँ ये सब भोजन का आस्वादन करने के पश्चात में ये थाली की ऐसी अवस्था हो गई, सब हमने एकदम पूरा चाट चाट के खाया, और इतना सुंदर अद्भुत प्रसाद
कभी पहले अनुभव नहीं किया था। 17-18 आइटम थे, बहुत प्रेम से, बहुत सुंदर वहां पर उन्होंने आस्वादन कराया था हमको। हमारे एक स्टाफ है वहां पर जो बरसाना में काम करते हैं, वो वहां रहते हैं, उनका मूल गांव वहां पर है। फिर हम लोग एक बहुत सुंदर जगह पर प्रवेश करते हैं, उनका नाम है सुरभि कुंज। पहले आपको समझाते हैं कि गोद्रुम का मतलब क्या है। गो यानी गाय यानी सुरभि, और द्रुम यानी कल्प वृक्ष। तो जहां पर कल्प वृक्ष और गाय साथ में है, उस द्वीप का नाम है गोद्रुम द्वीप। तो यहाँ पर सुरभि गाय रहती है और सुरभि गाय निवास करती है। तो यहीं पर ही वो मार्कंडेय मुनि को भी विश्राम सुरभि गाय ने दिया था और यहाँ पर उनको आश्रय दिया था, अपना दूध पिलाया था, तो इसलिए उसको सुरभि कुंज कहते हैं। तो सुरभि कुंज की के ऊपर ही उनको गोद्रुम द्वीप नाम दिया गया है। और सुरभि कुंज की विशेषता यह है कि नित्यानंद प्रभु ने यहाँ पर बहुत सुंदर प्रचार केंद्र खोला था। इसलिए हम गाते हैं ना कि बोड़ो सुखेर खोबोर गाय, बोड़ो सुखेर खोबोर गाय, सुरभि कुंजे ते नामेर हाट खुले छे, खोदनीता, यानी खुद नित्यानंद प्रभु ने यहाँ पर हरिनाम का बाजार खोला है, मार्केट खोला है, यहाँ पर वो वितरण करते हैं। ठाकुर भक्ति विनोद जी कहते हैं कि ये मेरे घर के पास ही है, मैं इनका दलाल हूँ। हाँ, मैं दस्तूरी लूंगा मैं उनसे, मैं भी इनके व्यवसाय में सेवा करूंगा, मैं भी हरिनाम बांटूंगा, और जब जो जो हरिनाम बांटूंगा नित्यानंद प्रभु की कृपा ग्रहण करूंगा। हाँ, कैसे मिलती है नित्यानंद प्रभु की कृपा? भगवान का नाम लेते हुए जब एक बार अगर एक बूंद आंसू निकलता है भगवान का नाम लेते हुए, उस व्यक्ति के लिए नित्यानंद प्रभु अपने आप को निछावर कर देते हैं, उस व्यक्ति के लिए सर्वस्व अर्पण कर देते हैं, उस व्यक्ति को अपना बना लेते हैं। तो ये ठाकुर भक्ति विनोद जी वर्णन कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु को हम इस सुरभि कुंज में प्रणाम करते हैं और ये शुभ ये प्रार्थना करते हैं कि आपके इस नाम वितरण के आंदोलन में हमें सहभागी कर लीजिए, हम आपका सहयोग करना चाहते हैं। इस जगत के जो इतने भी बद्ध जीव हैं उनको बचाने के लिए आपके इस आंदोलन में सहभागी होकर, आपके अनुयायी बनकर, आपके दास बनकर उनको सेवा करना चाहते हैं। सुरभि गाय को प्रणाम कीजिए, कल्प वृक्ष को प्रणाम कीजिए, आज भी वहां पर कल्प वृक्ष है, नित्यानंद प्रभु को प्रणाम कीजिए और आगे बढ़िए। हम आगे बढ़कर चलते हैं ठाकुर भक्ति विनोद के घर में। शिला भक्ति विनोद ठाकुरेर कुटीर, भोजन कुटीर ऐसा लिखा है यहाँ पर, स्वानंद सुखदा कुंज। तो ये स्वानंद सुखदा कुंज नाम जो है वो ललिता देवी का गौलोक वृंदावन में जो बना हुआ घर है उसका नाम है स्वानंद सुखदा कुंज। और ऐसे ही एक उनकी कुटी राधा कुंड में पास में है, ब्रज स्वानंद सुखदा कुंज कहते हैं उसको, राधा कुंड के किनारे पे है ये, गोद्रुम में है। इसकी कहानी ऐसी है कि ठाकुर भक्ति विनोद गवर्नमेंट सर्विस में थे, ब्रिटिश लोगों के मजिस्ट्रेट थे, बहुत कुशल थे, बहुत विद्वत विद्वान थे, 16 घंटे का काम 4 घंटे में करते थे और ब्रिटिशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे वो। लेकिन वो हृदय से शुद्ध भक्त थे, कमल मंजरी इस सखी के अवतार थे वो। कमल मंजरी कृष्ण की जो अष्ट सखियां हैं उनकी जो असिस्टेंट होती है उनको मंजरी कहते हैं, उनमें से एक मंजरी है कमल मंजरी। वो कमल मंजरी अवतार लेकर ठाकुर भक्ति विनोद को रूप में प्रकट हुए थे और वो गृहस्थ थे। हमारे सारे संप्रदाय में एक ही गृहस्थ आचार्य हैं, उनको 10 बच्चे थे और 10 में से 6 सन्यासी बने, इतने शक्तिशाली भक्त थे ये। इनका शेड्यूल दिया गया है, इनको 7th गोस्वामी, 6 गोस्वामी के बाद 7वें गोस्वामी के रूप में इनका गौरव किया जाता है। तो उन्होंने बहुत जल्द ही अपना कार्यकाल समाप्त करते हुए ब्रिटिशों से अनुरोध किया था कि मुझे अभी निवृत्त होना है, मुझे काम नहीं करना है, मुझे अभी अपने गांव जाकर प्रचार करना है। तो उन्होंने पूछा कहाँ जाना है आपको, तो उन्होंने कहा कि गोद्रुम द्वीप पे जाना है, वहां पर मैं अपना घर बसाऊंगा, झोपड़ी बनाऊंगा और वहां पर से प्रचार करूंगा। तो उन्होंने कहा कि आपकी बदली हम कृष्णा नगर में कर देते हैं जो गोद्रुम के बहुत पास में, वहां की कचहरी में, वहां पे न्यायालय में आप जज बनकर सेवा करना, 4 ही घंटे काम करना, बाकी दिन भर अपना जो मन में मर्जी है वो करना। और कृष्णा नगर के कचहरी से गोद्रुम में आपका जो घर है वहां तक रेलवे की लाइन खींचते हैं, आपके दरवाजे के
प्रवेश द्वार के पास में वो रेल लाइन उतरेगी, एक बोगी होगी, इसमें आप केवल एक यात्री होंगे, एक मोटरमैन होगा, दो गार्ड होंगे, और केवल आप यात्री को लेने के लिए ट्रेन आएगी पूरी, एक बोगी वाली आपको पिकअप करेगी, आपको कचहरी में छोड़ेगी, कचहरी में 4 घंटा काम करने के बाद वहां वापस ट्रेन में बिठाएगी और आपको घर में छोड़ेगी। ब्रिटिश लोगों ने हमारे ऊपर कम से कम 150 के ऊपर कई साल हमारे ऊपर राज्य किया, कभी भी किसी भारतीय को कभी सम्मान नहीं दिया, इतना सम्मान तो किसी को नहीं दिया। अरे ब्रिटिश, उनके भी बहुत सारे लॉर्ड वाइस रॉय यहाँ पर आ करते थे, लेकिन किसी भी लॉर्ड वाइस रॉय को ब्रिटिश अधिकारियों को इतना सम्मान नहीं दिया कि उसके लिए विशेष रेल लाइन डाली होगी। कभी पूरे इतिहास में आज तक ब्रिटिशों ने कहीं भी ऐसा नहीं किया है कि एक भारतीय वंश के व्यक्ति को, ब्रिटिश वंश के व्यक्तियों को भी नहीं, लेकिन भारतीय वंश के व्यक्ति को उसके विशेष सेवा के सम्मान के लिए उसके दरवाजे तक ट्रेन लाइन खींचा उन्होंने। इतना बड़ा सम्मान किसी का नहीं किया उन्होंने। तो कितने कुशल थे और कितने महत्वपूर्ण अधिकारी थे जो ब्रिटिश, कभी भी उन्होंने भारतीयों को सम्मान नहीं दिया। ऐसे ब्रिटिशों ने ठाकुर भक्तिविनोद को इतना बड़ा सम्मान दिया। तो अभी तो नहीं रही, 10 साल पहले वो हमने कम से कम 25 साल तक उस रेल लाइन का दर्शन किया। रेल लाइन चलती भी थी उनके घर के दरवाजे से निकलती थी, क्योंकि उसको एक्सटेंड किया गया उसके बाद में, और भी कई स्टेशन बनाए गए। उस समय तो एक ही स्टेशन था, कृष्णनगर कचहरी सीधे भक्ति विनोद जी का घर, उसके बाद में उसको एक्सटेंड किया। लेकिन मैंने मेरी आंखों से उनके घर के सामने से घर में ट्रेन रुकते हुए और आगे जाते हुए दर्शन किया हुआ है। फिर 10 साल के बाद वो फिर कैंसिल किया गया और अलग जगह पर रेलवे लाइन डाली गई, लेकिन रेलवे लाइन आज भी वहां पर है। तो ये उनका घर है और इनके अंदर गौर निताय के सुंदर विग्रह हैं, उनको आप प्रणाम कीजिए। इनके अंदर ठाकुर भक्ति विनोद का ये जो विग्रह है, ये ठाकुर भक्ति सिद्धांत जी जो उनके पुत्र हैं उनके, इन्होंने स्थापन किए हुए हैं। तो अपने पिता का यहाँ पर निवास था, उनका भी यहाँ पर निवास रहा है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती का। अब देखिए ये उनका घर है, पहले मंजिल पे उनके बेडिंग्स हैं, एक 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 जो बिस्तर है वो भक्ति सिद्धांत जी का है, एक बिस्तर जो है वो उनके पिताजी का, इन ठाकुर भक्ति विनोद जी का है। यहाँ पर वो निवास करते थे और यहाँ निवास करते थे तो वो जैसे ये बिल्डिंग है ना, इसके गैलरी में वो आगे पीछे चलते हुए जोर जोर से भगवान के नाम का रात देर तक उच्चारण करते थे। उस समय के लोगों ने इतिहास में लिखा हुआ है कि उनके जप में इतनी तीव्रता थी कि गांव के दूर दूर तक उनके जप की आवाज सुनाई पड़ती थी, इतने तीव्रता से और भाव से भगवान को पुकारा करते थे और रात रात देर तक पुकारते थे। ऐसे ही एक दिन रात को वो चल रहे थे आगे पीछे भगवान का नाम लेते हुए, तो उनको जलांगी नदी के उस पार, जहां पर आज इस्कॉन का मंदिर है, इस्कॉन की प्रॉपर्टी है, इस्कॉन की संस्था वहां पर बनी हुई है, उस समय नहीं थी, लेकिन आज जहां पर इस्कॉन की प्रॉपर्टी है उस जगह पे उनको बहुत प्रकाश दिखाई पड़ा और उस प्रकाश में उनको एक सुंदर अद्भुत मंदिर दिखाई पड़ा, जो फिर उन्होंने देखा शास्त्र में कि नित्यानंद प्रभु ने इस मंदिर के विषय में भविष्यवाणी की थी, ये उन्होंने अनुभव किया। और ठाकुर भक्ति सिद्धांत भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इस अद्भुत मंदिर का भगवान की कृपा से प्रत्यक्ष दर्शन किया था। एक बार ये भी दर्शन किया कि बहुत बड़ा प्रकाश था उस समय उस जगह पर, और देश विदेश के रंग बिरंगी लोग, कोई पीले रंग के, कोई गेहूं रंग के, कोई गोरे रंग के, कोई गुलाबी रंग के, कोई ऊंचे कोई नाटे, हर प्रकार के देश के लोग हाथ उठाकर वहां पर संकीर्तन कर रहे हैं। एक दृष्टांत उनको ये हुआ था, जो बाद में फिर महाप्रभु जी के कृपा से प्रभुपाद जी के जीवन में सत्य हुआ। उस समय ये तो कल्पना और स्वप्न ही था कि देश विदेश के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हाथ ऊपर उठाकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन में नाच रहे हैं। ये दर्शन जो ठाकुर भक्ति विनोद ने किया था वो प्रभुपाद जी के जीवन में सत्य हुआ और 1893 में ठाकुर भक्ति विनोद का शरीर समाप्त हो गया। उसके पहले उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि बहुत जल्द एक सेनापति भक्त आएगा और वो देश विदेश में प्रचार करेगा और सब भक्तों को नवद्वीप लेके आकर कीर्तन कराएगा, और वो सेनापति भक्त जो है वो सेनापति प्रभुपाद जी, ये प्रमाणित प्रमाण द्वारा सिद्ध किया गया है। तो ऐसे दो दृष्टांत हुए, एक दृष्टांत में प्रकाश में उन्होंने अलग अलग देशों के भक्तों को कीर्तन करते हुए देखा और दूसरे दृष्टांत में उनको वो अद्भुत मंदिर वहां नजर आया, जो आज हमारे जीवन काल में मायापुर में प्रकाशित प्रकट हो रहा है हमारी आंखों के सामने, और हमारा सहयोग देने की भाग्य प्राप्त हुआ है हमको उसमें, जो
आने वाले 10,000 साल तक हरिनाम का प्रचार करेगा। उस मंदिर के निर्माण में हमारा भी थोड़ा सहयोग हो गया है, आप लोग भी कर सकते हैं, और ये परम 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 भगवान का जो भविष्यवाणी है उसको साकार करने में मदद कर सकते हैं। इस तरह से ये ठाकुर भक्ति विनोद जी का घर है, कमल मंजरी का घर है, इसमें ठाकुर भक्ति सुदान जी ने भी निवास किया है। यहाँ पर ठाकुर भक्ति सुदान जी के गुरु महाराज यानी गौर किशोरदास बाबा जी जो परम विरक्त संत थे, वो दिन भर अपने कुटी में बैठकर भजन करते थे लेकिन कहीं बाहर निकलते नहीं थे। दिन में एक बार ठाकुर भक्ति विनोद जी की कथा सुनने के लिए इस जगह पर गंगा जी को पार करके आया करते थे और 2-3 घंटा ठाकुर भक्ति विनोद के चरणों में बैठकर उनकी कथाएं सुनते थे। ऐसा ये घर है, इसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती, गौर किशोर बाबा जी महाराज, ठाकुर भक्ति विनोद जी, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, ऐसे सब लोगों ने संग किया हुआ है। ऐसा ये परम पवित्र स्थान है जहां पर महान महान हमारे संप्रदाय के संतों ने मिलकर सत्संग किया है। तो आइए इस घर को विदा करते हुए ठाकुर भक्ति विनोद को प्रणाम करते हैं। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। ठाकुर भक्ति विनोद जी को प्रणाम करते हैं। इनके विषय में एक पूरा दिन भी कथा कर सकते हैं तो समाप्त नहीं होगी। बड़े आदर्श गृहस्थ आचार्य हैं ये, इनके द्वारा कई प्रकार के भजन संग्रह लिखे गए हैं जो दीनता का और समर्पित भाव का प्रकट करते हैं और गृहस्थों के लिए बड़े आदर्श भजन उन्होंने लिखे हुए हैं। ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर जी को सादर वंदन करके इनकी कृपा याचना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, एक सुंदर स्थान में जाते हैं, इसका नाम है हरिहर क्षेत्र। ये हरिहर क्षेत्र जो है वो गंगा नदी की एक शाखा है जिसका नाम है अलकनंदा, उसके किनारे में बसा हुआ है। बहुत सुंदर वन है ये, इसके सामने आम्रघाट है और ये अलकनंदा नदी का दर्शन है। देखिए विशाल अलकनंदा गंगा जी की शाखा बनकर यहाँ बह रही है और इसका आम के पेड़ के बीच में यहाँ पर कथा हो रही है और ये दर्शन है सुंदर। देखिए हरिहर का अर्थ ये होता है कि आधे हरि आधे हर, यानी आधे शिव जी और आधे हमारे कृष्ण भगवान। तो ये दोनों तरफ शिवलिंग है बड़े, आगे हनुमान जी की मूर्ति है, पूरा दर्शन हमने यहाँ पर दिया आपको। बीच में एक शनि महाराज की मूर्ति भी है, बीच में चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल की भी एक मूर्ति है, बीच में जगन्नाथ जी भी है, इस प्रकार से एक वृद्ध शिवा है बीच में, बीच में पार्वती जी भी त्रिशूल लेके खड़ी है, उसके बाजू में वृद्ध शिव जी है। तो देखिए सॉरी पार्वती त्रिशूल नहीं खड़ी है, विष्णु जो हरिहर की मूर्ति है वो जो काले रंग का हिस्सा है उसमें चक्र पकड़ के विष्णु भगवान खड़े हैं और जो सफेद रंग का दर्शन है आधा उसमें लेफ्ट हैंड में त्रिशूल पकड़ के शिव जी खड़े हैं, यानी कि दो हाथ दिखाए गए हैं इसमें, एक हाथ में चक्र धारण किया है विष्णु भगवान का, एक हाथ में धारण किया है त्रिशूल शंकर भगवान का। थोड़ा सा पास में देख सकते हैं, अभी पार्वती जी के बाजू में जो है वो वृद्ध शिव है और नीचे जो है जगन्नाथ जी हैं और ये जो पत्थर की शिला है वो चरण चिन्ह चैतन्य महाप्रभु के हैं। ये और एक दर्शन है, जितनी बार हमने दर्शन किया इनका, एक बार बीच में नहीं थे वे, ये चोरी चले गए थे, पुलिस स्टेशन में थे, इसने उनको चोरी किया था तो पुलिस ने पकड़ के फिर उनको प्राप्त किया था। तो 2-3 बार यात्रा की थी तो 2-3 बार ये पुलिस चौकी में थे, फिर दोबारा भी आए तो मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, वापस मंदिर में विराजमान किया गया। ऐसे ही हरिहर शिव जी हैं, कहते हैं कि हरिहर शिव जी ये यहाँ पर जो व्यक्ति शरीर छोड़ता है उसके कान में हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर नृत्य करते हैं। हरिहर क्षेत्र में मरने वाला व्यक्ति, हर व्यक्ति शिव जी के द्वारा भगवान के नाम का कीर्तन सुनता है और भगवत धाम चला जाता है, ऐसा उनका विशेष वरदान इस हरिहर क्षेत्र में है। देखिए मैंने आपको कहा था ना ये विशेष मूर्ति यहाँ पर है, नीचे है और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का चरण चिन्ह है, इसका भी पूजन यहाँ पर होता है। और ये आम घाट, ये भी हरिहर क्षेत्र के सामने ही है। ये आम घाट में ऐसा लीला है कि चैतन्य महाप्रभु ने बहुत देर तक संकीर्तन किया, सब भक्त लोग भूखे हो गए, उन्होंने एक आम लाकर दिया महाप्रभु को, आम का जो गुठली है वो महाप्रभु ने जमीन पर डाला, जमीन पर डालते ही वो आम का एक बड़ा वृक्ष वहां पर उत्पन्न हो गया। उसको कई साल लगते हैं निर्माण करने में लेकिन महाप्रभु जी की कृपा से तत्क्षण उसमें से बहुत विशाल आम का पेड़ बना और ऐसे फल लगे इतने बड़े बड़े, उसको ना छिलका है ना गुठली है, केवल पल्प ही पल्प है बस।
तो एक एक भक्त को उन्होंने एक एक आम का फल निकाल के दिया, एक आम का फल एक भक्त ने पाया, वो संतृप्त हो गया और फिर उन्होंने धुआंधार कीर्तन आरंभ किया। एक लीला तो यह है। दूसरी लीला यह है कि दूसरी बार उन्होंने यही लीला किया, आम का गुठली जाला और आम का पेड़ तैयार किया और एक फल निकाला, एक फल निकालते ही पीछे का सारा वृक्ष गायब हो गया। तो महाप्रभु ने भक्तों को कहा, देखो सब कुछ ऐसे ही एक दिन नष्ट हो जाएगा और तुम्हारे हाथ में क्या बचेगा, तुम्हारे कर्मों का फल जो उनके हाथ में था, आम का फल। उन्होंने कहा तुम्हारे तुम जितने कर्म करोगे तुम्हारा जीवन भी नष्ट हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे कर्म जो है इसके फल तुम्हारे साथ साथ चलते रहेंगे, बाकी सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ऐसा भी महाप्रभु जी का लीला है जो जयपताका महाराज ने इसकी कहानी बताई है। तो ये अद्भुत आम घाट जो है, इसमें पूरा गोद्रुम द्वीप में आम के ही पेड़ है और ये आम घाट में ही वो हरिहर क्षेत्र है, उधर भी आम के पेड़ है, लेकिन एक विशेष जगह है जहां पर आम का पूरा हजारों लाखों वृक्ष वहां पर है। तो वहां पर ये भक्त लोग प्रणाम कर रहे हैं आम वृक्ष को, महाप्रभु की कृपा से वो प्रकट हुआ है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये स्थान है सुवर्ण विहार। देखिए ये सुवर्ण विहार स्थान की कथा ऐसी है, सत्ययुग में राजा थे सुवर्णसेन, बड़े वैसे भावुक थे लेकिन बड़े इंद्रिय भोग में लगे हुए थे, जीवन बीतता जा रहा था इंद्रिय भोग में, सबका आस्वादन ले रहे थे। नारद मुनि आते हैं, उनको प्रचार करते हैं, प्रचार करके जीवन की जो मिथ्यता है वो समझाते हैं कि जीवन कैसा मिथ्या है, इंद्रिय भोग के लिए नहीं है, भगवान की प्राप्ति के लिए दिया है। नारद मुनि के संघ की वजह से सुवर्णसेन राजा भक्त बनते हैं और फिर यहाँ पर ये सुवर्णसेन राजा जो है भक्त बनते हैं। ये स्थान जो है ये सुवर्ण विहार के नाम से प्रसिद्ध हुआ, या नारद मुनि का संघ हुआ राजा सुवर्ण विहार का। अब देखिए यहाँ पर उनके विग्रह हैं सुवर्ण विहार के, और ये विग्रह का नाम मुझे अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है, लेकिन राधा कृष्ण का विग्रह है और चैतन्य महाप्रभु का विग्रह है। एनीवेज, तो ये सुवर्ण विहार सुवर्णसेन राजा के विग्रह हैं। अभी ये उस समय की बात है, तो ये जगह नष्ट हो गई थी। तो एक बार ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने भक्तों को लेकर ना गोद्रुम में ऐसा विहार कर रहे थे, तो अचानक इस जगह पर आ गए, वहां पर कुछ नहीं था, जंगल था पूरा। उन्होंने कहा मुझे ये जगह खरीदनी है, आप जगह का भाव करो। इतना बीच जंगल में घना जंगल था, वो जगह का मालिक भी बोला महाराज जी आपको मैं ना अच्छी जगह देता हूँ, ये जंगल में क्यों जा रहे हैं आप। लेकिन महाराज की जिद थी कि मुझे यही जगह चाहिए, तो फिर वो क्या करे, मजबूरी से उन्होंने वो जगह बेच दिया उसको। उसके बाद में ठाकुर भक्ति सिद्धांत ने वो जमीन लेने के पश्चात अपने भक्तों को वो जंगल के बीच में लेके गए और उस जंगल के बीच में जाकर उस महल के पत्थर के अवशेष दिखाए उन्होंने, जो सुवर्ण विहार सुवर्ण सेन राजा के पैलेस महल के बचे हुए अवशेष थे। वो आज भी इस मंदिर में देखेंगे आपको, तुलसी वृंदावन के बाजू में पड़े हुए हैं। देखिए तो महान संतों को दूरदृष्टि होती है, उनको लगा महाराज जंगल में क्यों जगह ले रहे हैं, उनको पता था कि ये तो सुवर्ण विहार है, सुवर्ण सेन का महल की जगह है, उनके अवशेष भी ढूंढ के निकाले। तो वो अवशेष अभी ये बनाकर रखे हुए, संभाल के रखे हुए हैं। और फिर ठाकुर भक्ति सिद्धांत जी ने यहाँ पर वो मंदिर बनाया ठाकुर जी का, राधा कृष्ण का और चैतन्य महाप्रभु का, और सुंदर गौड़िया मठ बनाया और ये स्थान पुनर्प्रस्थापित किया। तो लीला स्थली है भगवान की। तो इसको आप प्रणाम कीजिए, राजा सुवर्ण सेन को प्रणाम कीजिए, सुवर्ण विहार को प्रणाम कीजिए और फिर आगे बढ़ेंगे, फिर हम नरसिम्हापल्ली आएंगे। एक लाइन में है पूरा। हाँ, वो ठाकुर जी का अपना सुरभि कुंज पहले आएगा, उसके बाद में ठाकुर भक्ति का घर आएगा, उसके बाद में आमने सामने आमरा घाट और हरिहर क्षेत्र आएगा, उसके बाद में आगे जाएंगे तो सुवर्ण विहार आएगा, वहाँ मार्केट प्लेस है, वहां पर अंदर जाकर सुवर्ण विहार आएगा, उसके आगे स्ट्रेट जाएंगे मेन रोड तक जहाँ से हमने टर्न लिया था, वो है नरसिम्हापल्ली। यहाँ से हम वापस लेफ्ट टर्न लेंगे, फिर वो नदी आएगी जलांगी, उसको पार करते हुए हम वापस मायापुर चले जाएंगे। तो यह है नरसिम्हापल्ली। इस जगह की विशेषता यह है कि नरसिम्ह भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया और हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद में नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को लेकर यहाँ पर आए और अपने नाखूनों में जो खून लगा था ना, वो मंदाकिनी नदी में धोया, अपने हाथ को धोया। तो ये मंदिर नरसिंह भगवान का है, पल्ली यानी स्थान, नरसिम्हापल्ली नरसिंह भगवान का स्थान। और ये नरसिंह भगवान का विग्रह है कि नरसिंह भगवान की जय हो। इनके चरणों के लेफ्ट चरणों के नीचे हिरण्यकशिपु का विग्रह है और बाजू में जो है वो प्रहलाद जी का विग्रह है।
अद्भुत कल्प वृक्ष यहाँ पर है और उसके सामने ये मंदाकिनी नदी है। इसी नदी में नरसिंह भगवान ने अपने खून के नाखून धोए थे और यहाँ पर विश्राम किया था और प्रहलाद जी से संग किया था। तो नरसिंह भगवान यहाँ पर आए और विश्राम किया तो सभी देवता वहां पर आए, तो सभी देवताओं ने वहां पर नरसिंह भगवान का स्तुति किया, उनको प्रणाम किया, उनका उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया। और नरसिंह भगवान यही रुके तो उसके बाद देवताओं ने मिलकर अपने महल बनाए, कहाँ पर? सुवर्ण विहार और इस जगह के बीच में, उसको देवपल्ली कहते हैं। यानी कि देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, इंद्र ने, चंद्र ने, वरुण ने, सबने अपने महल बनाए और यहीं पर रहकर निवासी रूप में देवताओं ने नरसिंह भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास किया है। तो आइए मंदाकिनी नदी में हम जाते हैं, आचमन करते हैं। नरसिंह भगवान का स्पर्श हुआ है इस जल को पवित्र करने के लिए। नरसिंह भगवान को प्रणाम करते हैं, प्रहलाद के भाव से नरसिंह भगवान को शरणागति स्वीकार करते हैं और यहाँ से हम ये देखिए मंदाकिनी का दर्शन हो रहा है, बहुत ही सुंदर। और ये विशेष आपको दिखाना चाहता हूँ, ये सुवर्ण विहार के मार्केट से खरीदी हुई सब्जी है, ये पूरी सब्जी मिलकर केवल 50 रुपए में खरीदी हुई है। इतना सादगी का जीवन है सुवर्ण विहार गोदरूम में, इतना सादगी का जीवन है कि आपको जो भी चाहिए वो सब कुछ वहां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, बड़े सस्ते दाम में उपलब्ध है। बड़ा सादा जीवन है, कोई शहरी भाव वहां पर नहीं है और बहुत शुद्ध और पवित्र हवा है, पवित्र वातावरण है, धाम का अनुभव है। उसके आगे हम अभी चलते हैं मोदद्रुमो द्वीप। किसी ने प्रश्न किया था ये मोदद्रुमो द्वीप क्या होता है, तो ये मोदद्रुमो द्वीप जो है इसकी कहानी ऐसी है कि प्रभु रामचंद्र अपने वनवास काल में सीता को लेकर यहाँ आए थे और उस समय एक बार वो वहां पर एक वृक्ष था बड़ा जिसका नाम है मोदद्रुम। अभी नहीं है वृक्ष, लेकिन उस समय था, कल्प वृक्ष था जिसके नीचे बैठकर सीता मैया और विहार कर रहे थे। उस समय में प्रभु रामचंद्र हंस रहे थे, स्मित हास्य कर रहे थे। सीता देवी पूछती है कि प्रभु क्या बात है, आप क्या सोच रहे हैं? तो उन्होंने कहा था कि मैं कलयुग में आऊंगा, इसी स्थान पर अवतार लूंगा और संन्यास ग्रहण कर लूंगा और तुम बड़े विरह में चले जाओगी, तुम रोओगे बहुत मेरे विरह में, बहुत साल तक व्याकुल रहोगी। तो सीता जी को आश्चर्य हुआ, क्यों ऐसा करेंगे आप, क्यों इतना निर्दय बनोगे आप, मुझे विरह में छोड़ के चले जाओगे, कैसे आप कर सकते हो ये? तो उन्होंने कहा था कि कलयुग में मैं हरि नाम संकीर्तन करने के लिए आऊंगा, प्रेम की भेंट सबको देने के लिए आऊंगा, इसलिए मुझे आप लोगों को त्याग के जाना होगा विश्व कल्याण के लिए, और मैं आपको त्याग करके विश्व कल्याण के लिए संन्यास लूंगा और सबको हरि नाम बांटूंगा। ऐसे संवाद जो है इस द्वीप में हुआ था, मोदद्रुमो द्वीप में। तो प्रभु रामचंद्र का संबंध जो है यहाँ पर, उनका जन्म नहीं हुआ था, अपने वनवास में यहाँ पर आए थे। तो ये यहाँ पर तीन चीजें महत्वपूर्ण है, देखिए यहाँ पर तीन भक्तों का लीला है। एक है वृंदावन दास ठाकुर जो वेदव्यास जी के अवतार हैं, एक है सारंग ठाकुर भगवान के भक्त हैं और तीसरे हैं वासुदेव दत्त जो प्रहलाद जी के अवतार हैं। तो ये आपको दर्शन हो रहा है यहाँ पर, देखिए ये वासुदेव दत्त के विग्रह हैं, ये वेदव्यास जी के जन्म स्थान के विग्रह है, सॉरी राधा कृष्ण की मूर्ति है, गौर निताई है और इनके नीचे भी उनकी उत्सव मूर्तियां हैं, दर्शन कर लीजिए। और ये वासुदेव दत्त, ये जो वेदव्यास जी का मंदिर है वृंदावन दास ठाकुर जी का, यहाँ पर एक कुंड है उनका। और मैंने आपको बताया था कि श्रीवास पंडित की भतीजी नारायणी को चैतन्य महाप्रभु ने, गौरांग महाप्रभु ने अपना महाप्रसाद खिलाया था यथावकाश, वो गर्भवती हुई विवाह होने के पश्चात और उन्होंने वृंदावन दास ठाकुर को जन्म दिया। ये उन्हीं के जन्म स्थान के आसपास के गरुड़ जी हैं और ये विशेष कल्प वृक्ष यहाँ पर है, पूरा अंदर से खोखला है फिर भी हरा भरा रहता है हर साल हर समय। इसका दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए कल्प वृक्ष को, देखिए कैसा अद्भुत वृक्ष है, बहुत ही अद्भुत वृक्ष है, आप उसको देखते ही रह जाएंगे अगर जाएंगे तो। और इसके अंदर ये नारायणी ने वृंदावन दास ठाकुर को जन्म दिया था। और ये जो जगह है ये वृंदावन दास ठाकुर जी का वो एंट्रेंस है जहां से हम अंदर चले गए थे, वही दूर से पेड़ और मंदिर का साथ में दृश्य है। तो आप वृंदावन दास जी को प्रणाम कीजिए, ये वेद व्यास जी के अवतार है,
इन्होंने चैतन्य भागवत का निर्माण किया है, चैतन्य भागवत ग्रंथ का, जो चैतन्य चरितामृत में इतनी बाल्य अवस्था का वर्णन नहीं किया, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी बाल्य अवस्था का अधिकतर वर्णन चैतन्य भागवत में किया है। इनको प्रणाम कीजिए और आगे बढ़ेंगे। ये वृंदावन दास ठाकुर जी के घर के विग्रह हैं, दर्शन कीजिए। और ये जो वन है ये वासुदेव दत्त का वन है। वासुदेव दत्त प्रहलाद जी के अवतार हैं और महाप्रभु चैतन्य उनको मिलने गए, तभी रो रो कर इस वन में वासुदेव दत्त ने गौरांग महाप्रभु से कहा कि मुझे इस विश्व में जितने लोग हैं उनका दुख देखा नहीं जाता, अपने कर्मों का फल भोगते हुए वो इतना कष्ट पा रहे हैं, इतना कष्ट पा रहे हैं कि मुझे इन जगत में जितने जीव है उनका कष्ट दिखा नहीं जाता। तो मेरी आपको विनती है गौरांग महाप्रभु कि जितने भी जीव हैं उनके सारे कर्म आप मुझ पर डाल दो, मैं नरक में जाकर सारे लोगों के, सारे जीवों के, सारे योनियों के जितने भी कर्मों का बोझ है उसका फल मैं नरक में अकेले भोगूंगा, लेकिन कृपा करके आप इस विश्व में अभी जितने लोग जीवित हैं उन सबको गौलोक धाम में भेज दीजिए। तो गौरांग महाप्रभु गदगद होते हैं और वासुदेव दत्त चरणों में गिरे, उनको उठाकर गले लगाते हैं, कहते हैं वासुदेव तुम तो प्रहलाद के अवतार हो, तुम्हारी करुणा देखकर मेरा हृदय फट रहा है, मैं वादा करता हूं कि तुम्हें नरक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल तुम्हारी इच्छा से ही मैं इस विश्व में जितने भी लोग हैं उन सबका मैं उद्धार कर दूंगा। तो वासुदेव दत्त के कहने के कारण चैतन्य महाप्रभु जब विश्व में थे उस समय जितने जीव थे इस विश्व में, जितने भी जीव, हर योनि के जीव, वो सारे जीव गौलोक धाम चले गए जो उस समय उपस्थित थे, बाद में जन्म लिए बात की बात है, लेकिन महाप्रभु के समय पर, उस समय पर जितने जीव उपस्थित थे वो सारे जीवों को भगवान ने गौलोक धाम में भेज दिया। एक भक्त होना चाहिए, प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे एक शिष्य होना चाहिए चांद की तरह जो पूरी रात में उजाला दे सकता है, वैसे एक भक्त की एक प्रामाणिक इच्छा से पूरे विश्व का उद्धार हो गया। और ऐसे नहीं कि वो ऐसे मुंह बोली बात कर रहे थे, ऐसे कविता कह रहे थे, ऐसा नहीं था, वो गंभीर थे इस बात पर, वो हृदय से कह रहे थे महाप्रभु जी को कि मैं सबके दुखों को भोगना चाहता हूं, आप मुझे खाली सम्मति दीजिए, सबके पाप मुझ पर डाल दीजिए। तो यही वो वन है। हाँ, आपके तरफ से मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि ऐसी करुणा जीव के प्रति हमारे मन में भी होनी चाहिए, इसके वजह से विश्व का उद्धार हो सकता है। करुणामय जीव चाहिए, जिसके हृदय में करुणा हो, ऐसी करुणामय जीव की आवश्यकता है, वैष्णवों की आवश्यकता है, जिसके वजह से विश्व का कष्ट जो है वो मिट सकता है। आइए हम वासुदेव दत्त प्रहलाद जी के अवतार, उनको प्रणाम करते हैं इस वन में खड़े होकर और आगे बढ़ते हैं। क्यों कथा इस वन की है मुद्रद्रुम द्वीप की, यहाँ पर सारंग ठाकुर थे और उनको महाप्रभु जी ने कहा था कि आपको शिष्य बनाना है, आपको गुरु बनना है, वो मना कर रहे थे। एक दिन आग्रह किया, तुमने कहा कि ठीक है कल सवेरे मैं गंगा जी में जाऊंगा, जो पहला जीव दिखेगा उसको मैं दीक्षा दूंगा। तो वो आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे थे तो कोई टकराता है उनको, लगता है कोई जीव आ गया, कोई मनुष्य आ गया, उसको दीक्षा दूंगा। तो एक मुर्दा उनको आके टकराया, तो मुर्दे के कान में उन्होंने दीक्षा दिया, मंत्र दे दिया। तो जैसे ही मंत्र दिया कान में मुर्दा जागृत हो गया, यानी मुर्दा जीवित हो गया। किसी घर का छोटा बालक था, किसी सर्प दंश से मर गया था वो, तो उनको छोड़ दिया गया जल में गंगा जी के। तो इनको आके टकराया और उनके कान में मंत्र दिया तो जागृत हो गया। तो पता चला कि अरे हमारा बेटा जिंदा हो गया, तो सब मैया वगैरह भाग के आए। तो बेटा ने कहा आपका बेटा मर गया, अभी जो जिंदा है वो सारण ठाकुर जी महाराज का शिष्य जिंदा है, इन्होंने जीवन दिया है, ये जीवन उनका है, मैं घर पे नहीं आऊंगा। तो उनका शिष्य बना, उनके ही साथ रहा। तो सारण ठाकुर में इसे अद्भुत तरीके से दीक्षा दिया और अपना जो आदेश था गुरु जी का वो पूर्ण करने का प्रयास किया। तो हम वृंदावन दास ठाकुर, वासुदेव दत्त और सारण ठाकुर, इन तीनों को प्रणाम करते हैं और हमारी इस सत्र की हमारी कहानी अभी समाप्त कर देते हैं और अगले सत्र में जो भी होगा प्रयास करेंगे उसको पूर्ण करने का, और इस सत्र को यहाँ पर हम विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। बोलिए गौरांगा गौरांगा गौरांगा। तो अभी हम ठीक 5:30 बजे मिलते हैं, सब लोग तैयार होके आइए, ज्यादा समय नहीं है, केवल 1.5 घंटा मिलेगा आपको, 1.5 घंटा भी नहीं है, 4:30, 5, हाँ 1.5 घंटा मिलेगा, 1.5 घंटा विश्राम कीजिए,
और फिर आइए आगे की कथा सुनने के लिए, जो भी मुमकिन है वो सुना देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।